पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं? कैसा गुजरा आपका वीकेंड? मेरा वीकेंड बहुत बिजी गुजरा, और वो क्यों बिजी गुजरा ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते बताने वाली हूँ। एक सरप्राइज है आप सबके लिए, एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज, और शायद आप सब उसको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं। आज का शो भी बहुत मजेदार है, और आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने आज का शो डिजाइन किया है। होता क्या है कि हर दौर का जो खूबसूरती का क्राइटेरिया है वो एक मतलब लाइक अलग अलग होता है। एक ज़माना था, मुझे अच्छे से याद है, जब आप अपनी पुरानी तस्वीरें देखते हैं आपको पतली आईब्रोज नज़र आती है। सारी फिल्मी हीरोइंस, सारी ड्रामे के सुपरस्टार्स पतली आईब्रोज रखते थे। आप भी उसी स्टाइल से को कॉपी करते हुए पतली आईब्रोज रखी हुई थी, और वही उस ज़माने की खूबसूरती थी। फिर अब अगर आप देखें तो अब ज़माना है मोटी आईब्रोज का, और इसी तरह खूबसूरती के क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं। एक ज़माना था जब पतले होंठों का फैशन था, पतले होंठ खूबसूरती की निशानी समझे जाते थे। ज़माना चेंज हुआ और क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया। अब ज़रा पाउटी होंठ, थोड़े से भरे भरे होंठ, लोग फिलर्स डलवा के अपने होंठ मोटे कर रहे होते हैं, और वो खूबसूरती की निशानी समझे जाता है। तो हर दौर में, हर मुल्क में, हर इलाके का खूबसूरती का क्राइटेरिया जो है वो मुख्तलिफ होता चला जाता है वक्त के साथ साथ। और जो फैशन होता है, फॉर एग्जांपल फैशन को अगर आप ले आएँ, तो जहाँ लंबी कमीज़ों का फैशन है होता था तो सब लंबी पहन रहे होते थे, छोटी कमीज़ों का फैशन होता था सब छोटी कमीज़ें पहन रहे होते थे। मगर अब मज़े की बात यह है कि दोनों फैशन हैं। यही रिसर्च करते करते और इस क्राइटेरिया को फॉलो करते करते मैंने कुछ रिसर्चेज आपके साथ शेयर करनी है, जहाँ अनबिलीवेबल खूबसूरती के अलामात जो हैं वो मुझे नज़र आए कि ये है उनकी ब्यूटी, उस इलाके में ये ब्यूटी होनी चाहिए। मतलब अगर आप रिसर्च करें तो आपको मिलेगा कि दुबई जो है वहाँ ये क्राइटेरिया है ब्यूटी का, वेस्टर्न कल्चर जो है वहाँ ये, मतलब लाइक हम लोग क्या कर रहे होते हैं यहाँ पाकिस्तान में। अच्छा जी, रंग साफ हो जाए, रंग गोरा हो जाए, और वही गोरे जिनका रंग गोरा है वो टैन कर रहे होते हैं अपने आप को ताकि उनका रंग टैन हो और वो प्यारे लगे, वो बहुत गोरे नहीं अच्छे लगते। तो सबके दिमाग में अलग अलग चीज़ें हैं खूबसूरती की। हमारे यहाँ क्या है, बड़ी आँखें, लंबे बाल, पतली दुबली, लंबा कद, मतलब हर दौर में ब्यूटी के क्राइटेरिया चेंज होते हैं। लेकिन ये अनबिलीवेबल फैक्ट्स, ब्यूटी के अलामात मैं आपसे शेयर करूँ। एक मियाओ नामी जगह है, वहाँ पे रहने वाली ख़वातीन अपने आबाव अजदाद के खूबसूरत बालों को अपने साथ लेके कैरी करती हैं। अब आप सोचिए कैसे, क्या मतलब वो खूबसूरती की अलामत समझी जाती है? आइए मैं आपको प्रॉपरली दिखाती हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये क्या खूबसूरती की अलामत हुई। आइए चल के देखिए। बालों की खूबसूरती और उनका ख्याल रखने के बारे में हर कोई फिक्रमंद रहता है, लेकिन मियाओ नामी जगह पर रहने वाली खवातीन एक पुरानी रस्म पर अमल करते हुए अपने बालों को लकड़ी के कंघे पर बांधकर अपने सर पर लिए फिरती हैं। इसे उनके आबाओ अजदाद के बालों को जमा करके बनाया गया होता है, जिसका वजन तकरीबन 6 किलो होता है। वो हर वीकेंड पर पहनती हैं, और इसको यहाँ रहने वाले लोगों की खास रिवायत समझा जाता है, जो इनके लिए खूबसूरती की खास अलामत है। पता नहीं भाई, ये सोचिए आप, हर मुल्क के, हर इलाके के अपने रस्म और रिवाज होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, बर्मा में वैसे तो लंबी सुराहीदार गर्दन जो है वो शायर अपनी शायरी में या नावल नगार अपनी नावल में लिखता है, खूबसूरती की अलामत जाहिर करता है कि लंबी गर्दन और ये वो एक खूबसूरती की अलामत तो समझी जाती है। लेकिन बर्मा में तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। लंबी गर्दन करने के लिए वो अपने मतलब अपनी गर्दन में पीतल की एक रिंग डाले रखती है, जिसकी वजह से उनकी गर्दन इतनी लंबी लंबी होती है, और ये वहाँ खूबसूरती की अलामत है। आइए मैं आपको उसका पैकेज दिखाती हूँ। बर्मा में रिहाइश पजीर पडाउंग ग्रुप की खवातीन एक ऐसी रवायत को सदियों से फॉलो करती आ रही हैं, जो उनके लिए खूबसूरती की अलामत समझी जाती है।
यहाँ पर रहने वाली खवातीन की गर्दनों में पीतल की बनी कड़ियाँ मौजूद होती हैं, जो तकरीबन 15 किलो तक वजनी होती हैं। इससे इन खवातीन की गर्दनें नाकाबिले हद तक लंबी हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले लोग इन्हें जिराफ वुमेन के नाम से भी जानते हैं। इनका मानना है कि जिसकी गर्दन जितनी लंबी होगी वो उसी कदर खूबसूरत होती है। अच्छा भाई, आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, आप देख सकते हैं हर सेलिब्रिटी और हर आम इंसान, जो आम शख्सियत है वो फॉलो करता है सेलिब्रिटी को, अपनी मर्जी के दांत। मतलब आप शोबिज़ में देखेंगे बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी आई होंगी जिनके दांत ऊंचे नीचे, मतलब लाइक नॉर्मल दांत नहीं थे, मगर कुछ अरसे बाद आप उनकी स्माइल, उनको ज़्यादा हंसता हुआ देखते हैं और ज़्यादा अट्रैक्शन पाते हैं उस फेस में, क्योंकि वो अपने दांत बनवा चुकी होती है कॉस्मेटिक सर्जन से, जो डेंटल सर्जन कॉस्मेटिक सर्जन होता है। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, आपके अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनको सबको हटा के घिसाई करके आपके अपने नेचुरल दांतों के उसके ऊपर एक मास्क, लाइक एक नेचुरली आर्टिफिशियल दांतों का एक होल चढ़ा देता है, जो कि सारी ज़िंदगी आप खाएं पिए कुछ भी करें लेकिन आपके दांत सफ़ेद और मज़ेदार, मतलब लाइक एक स्माइल आपकी नज़र आएगी परफेक्ट दांतों के साथ। ये है हमारी खूबसूरती का क्राइटेरिया, चमकते दमकते सफ़ेद और एक जैसे दांत, मोती की तरह, यही मिसाल दी जाती है। मगर मैं रिसर्च जब कर रही थी तो मुझे पता चला कि इस आइलैंड पे जिसको मैं अभी दिखाने वाली हूँ, लोग अपने दांत काले करते हैं, टेढ़े मेढ़े दांत करवाते हैं, मतलब कितने सारे 60,000 रुपये देकर, मतलब जब हाँ मतलब लाइक वो तो जापान में कराते हैं टेढ़े मेढ़े दांत 60,000 रुपये देकर। और एक आइलैंड पर कौन सा नाम, क्या नाम था, उर्गारो आइलैंड में काले दांत जो है वो फैशन में है। आइए मैं आपको ये दो पैकेजेस दिखाती हूँ, आप खुद हैरान रह जाएंगे मेरी तरह। खूबसूरत और चमकते दांत तो यकीनन आपकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, लेकिन उहागुरो आइलैंड के मकीन एक ऐसी रिवायत पर अमल करते आ रहे हैं जिसमें दांत को काला रंग किया जाता है, में ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जो आपके मुंह से एक अलग किस्म की खुशबू आने का बाइस होती हैं। इस रिवायत के मानने वालों का कहना है कि ये करने से ना सिर्फ इनकी दौलत में इजाफा होगा बल्कि वो बाकी लोगों से खूबसूरत भी दिखाई देंगे। दांतों की जरा सी सेटिंग आउट होने पर लोग फौरन डेंटिस्ट का रुख करते हैं और ब्रेसेस लगवा लेते हैं, लेकिन जापान में टेढ़े मेढ़े दांतों को खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। अक्सर लोग अपने सीधे दांतों की मरम्मत करवाकर उन्हें तब्दील करवा लेते हैं। इनका मानना है कि इस तरह उनकी खूबसूरती में इजाफा होता है, जबकि खवातीन के नज़दीक यूं करने से वो अपनी उम्र से कम लगती हैं। मतलब कि पूरी दुनिया में अलग अलग इलाकों में आप रिसर्च करें तो खूबसूरती का क्राइटेरिया ही मुख्तलिफ है। एक और जगह मैं दिखाने वाली हूँ कि ब्रोकपा कम्युनिटी है एक, वहाँ मर्द और औरतें खुद को फूलों से सजाते हैं और ये है उनकी खूबसूरती का क्राइटेरिया। आइए दिखाती हूँ आपको। फूलों से बने मुख्तलिफ ज़ेवरात हर सिन्फ़े नाजुक को पसंद होते हैं, लेकिन ब्रोकपा कम्युनिटी में रहने वाले तमाम लोग एक ऐसी रवायत को मानते आ रहे हैं जिसमें मर्द और ख्वातीन दोनों फूलों से खुद को सजाते और संवारते हैं। ख्वातीन बुके को सरों पर सजाती हैं और साथ ही चोटियों में भी इस्तेमाल करती हैं, जबकि मर्द हजरात भी मुख्तलिफ तरह से फूलों का इस्तेमाल करते हैं और ये काम रोजाना की बुनियाद पर दोहराया भी जाता है। इसमें ताज़ा और खुशबूदार फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। ओ माई गॉड, मेरा जो ख्याल है, जो अगर एक कॉमन खूबसूरती का एलिमेंट है पूरी दुनिया में, वो है आपकी हेल्दी ब्यूटिफुल स्किन, आपकी कॉम्प्लेक्शन जो भी हो, लेकिन अगर आपकी स्किन स्मूथ होगी, आपकी स्किन ग्लोइंग होगी और कोई भी कॉम्प्लेक्शन होगा तो आप फीचर कुछ भी हो, आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो अच्छी स्किन का होना कितना ज़रूरी है ये आजकल की लड़कियां लड़के सब जान चुके हैं, और इसीलिए आज सेलिब्रिटीज़ को ख़ास तौर पर हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है उनकी ब्यूटीफुल स्किन और वो प्रोडक्ट्स जो वो अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करते हैं उनके साथ, क्योंकि जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे आप जान पाते हैं, जैसे जैसे आप रिसर्च करते हैं, किसी की स्किन पे कुछ सूट करता है, किसी की स्किन पे कुछ सूट करता है, लेकिन वो सारे सीक्रेट्स वो सेलिब्रिटी अपने फैन से आज शेयर करेंगे हमारे प्रोग्राम में अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ। तो आपने मिस नहीं करना आज का प्रोग्राम, क्योंकि
ऊपर से ब्यूटीफुल होने के लिए अंदर से ब्यूटीफुल होना बहुत जरूरी है और अपने आप को ब्यूटीफुल समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट ये है कि आप अपने आप को सबसे हसीन जाने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज एक डिफरेंट ग्रुप में आपको नजर आएंगी, यानी कि अपनी खूबसूरती के सीक्रेट्स आपसे शेयर करते हुए, कैसे वो अपना ख्याल रखती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने अपनी स्किन पे यूज़ की हैं जो उन्हें हमेशा तरोताज़ा ऑन स्क्रीन दिखाता है और आप हैरान हो जाते हैं, वाओ, मतलब कि ये कैसे इतनी यंग, खूबसूरत और फ्रेश नज़र आती हैं। तो उसके पीछे मेहनत होती है, उसके पीछे वो प्रोडक्ट्स होती है जो उन्होंने रिसर्च कर करके अपने ऊपर इस्तेमाल की होती हैं। आइए वो अपने सीक्रेट्स, ब्यूटी सीक्रेट्स आपसे शेयर करती हैं। मेरे साथ आज जो खवातीन मौजूद हैं उनको आप हमेशा एडमायर करते हैं, कहते हैं ये इतनी यंग कैसे हैं, क्या करती हैं, क्या राज है। तो आइए राज से पर्दा उठाते हैं। बड़े दिनों बाद आप मेरे शो पे मिलने वाले हैं आला से, जिनको हम प्यार से आला कहते हैं, आलिया इमाम। कोरोना के डर से निकल ही नहीं रही थी, आखिरकार वैक्सीनेशन के बाद उन्होंने माइंड बना ही लिया हमारे पास आने का। वेलकम करते हैं आलिया इमाम। हेलो, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वो कहते हैं ना, लॉन्ग टाइम नो सी। सीरियसली ऐसे ही ना, बस याद आ रही थी आपको, हम बड़ी हिचकी। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि तुम्हारी टीम ने मुसलसल मुझे याद रखा है ना, बावजूद मेरी ना के मुझे फोन आते रहे कि आपकी चटपटी बातें सुननी है, आपसे मिलना है, तो मैं आ गई। तो आज जो है वो आला अपने ब्यूटी सीक्रेट्स। हाँ, मैं ब्यूटी सीक्रेट्स में फोन पे भी जो आपकी कोऑर्डिनेट करती हैं खालदा, उनसे ये कहा था मैंने कि मैं बिल्कुल बेकार बंदा हूँ क्योंकि मैं बहुत लेस प्रोडक्ट यूज करती हूँ, बहुत कम। तो सही है ना, जो आप लेस प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, जो बहुत सारी खवातीन जिनकी नेचर आप जैसी है तो वो इजी हो जाएंगे, वो इजी हो जाएंगी कि अच्छा चलो भाई हम ये एक दो प्रोडक्ट्स यूज कर ले, हाँ, तो हमारी बचत है। बचत है, हाँ, और वाकई बचत है। हाँ, अगर अभी तो क्योंकि आपकी स्किन हमेशा से है, लेकिन अभी शाहीन जो मेकअप करी थी कहती है आपकी स्किन अच्छी हो रही है। हाँ, तो वो अच्छी इसलिए हो रही है, एक तो रेस्ट मिला जाहिर है घर में धूप गर्मी से बचे रहे, दूसरे ये कि वही लेस प्रोडक्ट मैं बहुत ज्यादा और सबने कहा कि कोरोना से बचना है तो खाना भी अच्छा खाना है, तो डाइट वाइट भी नहीं की, कुछ नहीं किया और खाना खाया, तो स्किन तो अच्छी होनी है ना, होनी है। आइए जी, एक और गेस्ट मैं बुलाना चाह रही हूँ, वो लाहौर से आई हैं और जब अपनी बेटी के साथ खड़ी होती है तो वो उसकी बड़ी बहन लगती हैं, तो इसीलिए उनकी ब्यूटी सीक्रेट्स पूछना आज जरूरी था। प्यार से हम उन्हें, जैसे हम इन्हें आला कहते हैं, उन्हें पूरी फील्ड में नाटी कहा जाता है और आप भी नाटी के नाम से उनको पहचानते हैं। आइए नताशा हुसैन को वेलकम करते हैं। कल रात में कहीं गई तो मैंने जो मुझे मिल जाए, मुझे लगता है कोई बैज वैज बनना चाहिए, इट्स द नीड ऑफ द आवर, ऐसा कहना पड़ता है इससे कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, कि मतलब यू नो आई मीन लाइक माय फ्रेंड हैड लाइक अ लिटिल डिनर, ही सेड आर यू वैक्सीनेटेड यू एंड योर हस्बैंड, आई सेड या, सेड अच्छा फिर तुम आ सकते हो, एंड ही इज लाइक वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड, क्लियर होना चाहिए, आई वाज लाइक अच्छा ओके, अदरवाइज आप आउटडोर में बैठेंगे, एसी नहीं एंजॉय कर सकते, हाँ, कुछ नहीं, तो हम तो बाहर बैठते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये तो है, गर्मी में बाहर बैठे, गर्मी में बाहर। आज मैंने मेकअप मैंने अपनी हल्का फुल्का किया हुआ था, तो मैं ब्रेकफास्ट करने गई आने से पहले, तो वो पूल साइड पे था ब्रेकफास्ट, ऑल ओपन, गर्मी लगे कुछ भी लगे, इट्स ऑल आउट रिस्क नहीं ले मच्छर मच्छर। भाई आपको हमेशा से, आपकी स्किन मैंने जब भी देखी है, हमेशा से जब से आप फील्ड में आई हैं तब से बहुत अच्छी रही है हमेशा ना। थैंक यू। इसकी आज जो सीक्रेट है वो मैं सबको बताऊंगी, शेयर करूंगी। पहले मैंने अपने इंडस्ट्री के कुछ लोगों को बताई, उनका नाम भी लूंगी जिनको बताई, और कभी आप उनको बुलाएंगी तो आप पूछिएगा कि ये आपको स्किन केयर रिजीम किसने बताई, लाइक लिटरली, सो दे ये भी बड़े दिल की बात है। वक्त के साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट्स, वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट्स चेंज करती रहती हैं, रिसर्च करती हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो ट्राई करती हैं। बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। आजकल वो एक स्किन का किसी ने मुझे कहा तो मैं वो भी ट्राई कर रही हूँ, मैं भी बताऊंगी उसके बारे में भी, जबरदस्त। सो या, इट्स गुड टू ट्राई, लेकिन मैं हमेशा बाउंस बैक करती हूँ अपनी टिपिकल चीज।
बट जो मुझे पता है विद सूट माय स्किन या जो मेरी चीज है यू नो वो मुझे आई जस्ट कीप बाउंसिंग बैक बिकॉज दे आर जस्ट द बेस्ट. और अब मैं बुला रही हूँ एक ऐसी सुपर मॉडल के वो उस वक्त भी मॉडलिंग कर सकती थी कर की उन्होंने अभी भी कर रही हैं और लाइक वो माशाल्लाह अपने आप को उन्होंने इतना वेल मेंटेन रखा अपने बेटे के साथ भी मेरे शो पे आ चुकी हैं कि आप उनको देख के जो है एक वो सबक हासिल करते बहुत सारी खवातीन क्योंकि बच्चों के बाद उनको एक एक्सक्यूज मिल जाता है खवातीन को कि यार अब तो बच्चे हो गए अब क्या करना है. नहीं भाई क्यों आपकी जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई बच्चों के बाद. आप अपने आप से प्यार करेंगे तो वो झलकता है आपके चेहरे से आपकी पर्सनालिटी से. आइए एक और खातून जो अपने आप से प्यार करती हैं और वैसे ही अपने आप को रखती हैं अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए अपने बच्चे के लिए. आइए वेलकम करते हैं रुबाब. हेलो और अच्छा किया है और जरूरी है और आज आ गई है और छा गई है और निधा की जगह भी ले ली. मैं तो इधर उधर घूमती हूँ सीधा चेयर की तरफ अपनी जगह ऐसे बनाओ के ने बोला एक तो कोरोना है ऊपर से यू नो आगे फिजा भी आगे आगे आइए जी. मतलब लाइक हमने ना अलग अलग सन के लोगों को जमा कर लिया है. नहीं जरूरी था भाई सबकी स्किन्स बहुत अच्छी हैं. मैं यही कही थी पूरी दुनिया में खूबसूरती के क्राइटेरिया मुख्तलिफ होते हैं लेकिन एक कॉमन चीज है स्किन के आपका कोई भी कॉम्प्लेक्शन हो स्किन अच्छी होना हर तरफ जो है एक खूबसूरती की अलामत समझी जाती है. बिल्कुल नकूश कैसे हो तो अल्लाह ताला ने बनाए हुए लेकिन जितना आप अपना ख्याल करेंगे उतनी ही स्किन आपकी अच्छी नजर हेल्दी नजर आएगी. आइए वेलकम करते हैं एक और खूबसूरत स्किन की मालिक फिजा. बड़े दिनों बाद ये सब जमा हुए हैं मेरे पास. फिजा अली यो क्या बात है भाई. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है कैसी हो. ये क्या एसओपीज ने मार दिया यार बस थोड़े दिन की बात जरूरी है. ये लाहौर में रह के मुझसे नहीं मिलती. जानी कोरोना है मैं क्यों मिलूं. मेरा नाम कोरोना नहीं है कोरोना प्यार है. कैसे हैं आप सब लोग भाई. तुम्हारे प्यार में तुम्हारी छतर छाओ में हम आ गए हैं. मैं दिन बुलाती हूँ साजो सामान लेके. मुझे तो फिजा जब तुम्हारी याद आती है मैं तुम्हें फेसबुक पे टिकटॉक वगैरह तुम्हारी देख लेती हूँ तुम्हारी बेटी के साथ सरप्राइज मिला ना कि आलिया इमाम के नाम से मुझे एक मन्नत आई है और उसने कहा जब बेटी पूरी हो जाए तो पूरी कर देना. बेटी पैदा हुई बेटी पूरी हो जाए तो मन्नत पूरी कर देना. आप सबके राज ब्यूटी सीक्रेट्स जानने के फैंस आपका वेट कर रहे हैं. आइए भाई किससे शुरू करें. मेरी दुकान किधर रखी है. हमारी दुकान तुम घूम लो ना. ये अच्छा मेरी लिपस्टिक. हाँ अच्छा क्योंकि हम आलिया ने कहा कि मैं वो वाला बंदा हूँ कि मेरे पास कम चीजें होती हैं. तुम बंदा हो. तुम बंदा है तो हम सब बंदे हैं. हाँ वैसे हैं तुम सब बंदे. सीरियसली मुझे तो किसी ने नहीं बांधा. चल भाई आज आपको स्किन की ब्यूटी सीक्रेट्स के साथ कॉमेडी भी देखने को मिलेगी. आज फुल मूड में है. अच्छा मैं भी हूँ. एहतियात कीजिएगा आज मुझसे. तुम कोई और मूड में हो. मैं वाले मूड में हूँ. एक एक राज ये भी है खूबसूरत लगने का. आप हंसते हैं. आप हंसते हैं. आप खुश रहते हैं. खुश रहते हैं. जलते कुड़ते नहीं. शक्ल पे नजर आता है. बिल्कुल शक्ल पे नजर. इसकी स्माइल तो इतनी है माशाल्लाह. इसकी शक्ल पे नजर आता है. यहाँ से शुरू होती है यहाँ पे खत्म होती है.
मेरे साथ भी यही चक्कर है, मेरे भी दांत खुलते तो बंद ही नहीं होते यार, मगर खुश रहती हो, यही राज है यार, मजा आता है हंसने में। और माशाल्लाह दांत इतने बड़े बड़े खूबसूरत अच्छी में खुल जब मैं मॉडलिंग में आई तो मुझे जब कॉल आई एम्बियंस से असद वकास की, वेरी गुड एज अ ड्यू ऑल्सो, दे वर फैबुलस एक्चुअली, दे स्टिल आर बट अब सेपरेटली काम, तो दे सेड कि वो टूथपेस्ट का कमर्शियल, मैं था आई थिंक यू आर कॉलिंग द रॉन्ग नैटी, नैटी तो एक ही है, मैं हंसने लगा असद फोन पे, मैंने कहा एक्चुअली I'm shy of my smile. मेरी तो स्माइल अच्छी है ही नहीं, तो उसने कहा कि अच्छा आप छोड़ देना, तो फिर वो मेरे एक एक दांत ना मेरा हल्का सा था भी अजीब सा, अभी एक वेनियर भी लगा हुआ है। अच्छा, तब इन्होंने मुझे लाहौर में बोला कि हम भेज के ना वो दांत थोड़ा सा जैसे छोटा था, दैट्स आई यूज टू नॉट लाइक, और फिर बड़े बड़े दांत, तो उसने कहा नहीं, अच्छा आप सोचिए उसका मैंने ट्रिलॉजी की उस एड की, वाह भाई, और डेंटिस्ट के पैसे भी नहीं दिए। This is the best part. Okay. अब हम beauty secret शुरू कर रहे हैं आलिया के। आलिया आपकी स्किन, मैंने हमेशा से rough tough थी आप, माही मुंडा डायरेक्टर थी तो जाहिर है इनको होश ही नहीं होता था अपना ये जूड़ा बांधा ये वो, लेकिन आपके बाल और आपकी स्किन हमने हमेशा से अच्छी देखी है, इसलिए कि मैं, मेरा अपना एक मानना है कि मैं इनको छेड़ती बहुत कम हूँ। अच्छा, फेशियल्स मैं नहीं लेती बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे लिए टायरिंग होता है इतनी देर ऐसे लेट के, मुझे लगता है घबराहट, एक एक फेशियल में मुझे पांच छह दफा उठना होता है। होई होई। तो मेरे ख्याल शादी से पहले 12 years ऑफ मैरिज और उससे पहले मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, शादिया के प्रेशर में करवा लिया करती थी, क्योंकि उसका तो ऐसा रिजीम है कि उसका बस नहीं चलता, 15 दिन में जाके फेशियल करा। अच्छा, तो मैं दिख नहीं रहा, मेरे व्हाइट हेड्स हो गए यार, इतना मेकअप। शादिया की स्किन भी हमेशा से बहुत फेशियल, आपकी फैमिली में भी जींस भी है। तो बहरहाल वो मैं फेशियल्स नहीं कराती। अब मैं अपनी बुराइयां बताऊं इस शो में तो अच्छाइयां बताऊं? नहीं भाई, बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे ना आपसे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसे भी होते हैं। और मैं कोई, अल्लाह का शुक्र है, एक्ने का प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई क्रीम नाइट क्रीम यूज नहीं करती। हालांकि सब कहते हैं कि अब जाहिर है आप आफ्टर 20-25 आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता अपने हाइड्रेट रखने के लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं करती, तो इसलिए मेरी बात यही खत्म हो जाती है। मैंने आज कल ये कोई मुझे शुरू किए हुए हो गया है, ये देखिए एक देख, साल हाँ ये देखिए ये जी विटामिन सी फेशियल वॉश है, दिखाई कैमरे में एक दफा, टू गुड, ये विटामिन सी फेस वॉश है, यानी कराची में ऑनलाइन। अच्छा, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया, ऑनलाइन भी मिल जाता है तकरीबन कितने का? टू गुड, पता नहीं, 2500 नहीं, इससे ज्यादा का, नहीं ज्यादा का, ज्यादा। अच्छा, ये चलता काफी, मुझे लगता है कि 3 महीने मुझे यूज करने में, पता नहीं, सब कहते हैं कि तुम्हारी स्किन अच्छी हो रही है आजकल, शाहीन ने जैसे बताया, तो प्रोबेबली इसका कोई हाथ हो या रेस्ट, इसमें विटामिन सी है, विटामिन सी है, स्क्रब भी है, स्क्रब भी है, माइनर बिल्कुल बारीक वाला, और दूसरे मिंटी है, आप जब फेस वॉश करते हैं ना बहुत देर तक ठंडा ठंडा लगता है, और अभी गर्मी में अच्छा अच्छा लगता। आप जाहिर है मेकअप भी करती, कहीं आती जाती, तो मेकअप रिमूव इसी से करती है? नहीं, मैं मेकअप रिमूव तो आजकल मैं गार्नियर का एक है उससे कर रही हूँ, वाटर बेस्ड, दुनिया उस पे लगी है, बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। मैं भी अब ये भी शुरू किए हुए मुझे सिर्फ हार्डली 3 साल, क्या है वो, मतलब क्या चीज है वाटर बेस्ड, मैं भूल गई, कल रात को ही बल्कि मैंने मेकअप उतारा, तो मेरे ऐसा क्लींजर है वाटर बेस्ड कि आप अपने बेड साइड पे रख सकते हैं, साइड पे, आप रात में भूल गए तो आपने एक कॉटन पैड लिया और उसको साफ कर लिया और सो भी गए। अच्छा, उससे बेस बड़ी अच्छी बैठती है, अगर बेस मेकअप लगानी हो तो उससे पहले अगर उसको लगा दो तो फिर वो बड़ी मॉइस्ट रहती है। क्या कहते हैं, गार्नियर क्लींजर, मिनरल वाटर होता है उसका? नहीं, वाटर बेस्ड क्लींजर है वो। अच्छा अच्छा, मैं सॉरी भूल गई लाना, आप जो है वो क्लींजिंग पैड मिरेकल वाटर के नाम से है, और पता है मिरेकल वाटर जो है ये आपको बिल्कुल भी किसी भी स्टोर से आराम से मिल जाएगा। इसका आई क्लीन, आई मेकअप क्लीनर भी है। अच्छा, इसका एक टोनर है जो मैं यूज करती हूं। हां, तो इसकी चीजें अच्छी है, सॉफ्ट है, बहुत जेंटल है, इजीली चीजें वही बतानी और करनी है। आप मेकअप उतारा आपने, फिर आप क्या करती हैं, फेस वॉश से मुंह धोती हैं? मुंह धो लेती हूं, ठीक है, फिर कोई क्रीम लगाती है कि नहीं? कुछ ड्राइनेस नहीं फील होती। अच्छा, आजकल मैंने ना, अरे वो भी नहीं निकाला, कर्ल्स का, हां देखो, और तुमने मुझे सबसे पहले बिठा लिया। मैं कर रही हूँ आजकल केल्स का, वो एक सीरम है रात में। अच्छा,
बहुत अच्छा वो भी मंगवाया था। मैं काम करती हूं, थोड़ा एक्सपेंसिव जो चीजें आप भूल गई है ना, मैं अभी ब्रेक के बाद जब वापस आती हूं तो फिर हम उस पे वो इंटरनेट पे हम तस्वीरें उसकी निकाल, ठीक है, और मैं वैसे प्रोडक्ट भी दिखा दूंगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि कौन सी नहीं वो लाई है मगर उन्होंने निकाली नहीं है। लाई है कहाँ? हाँ, मैं लाई हूँ। अच्छा गार्नियर वाला जो मैं अच्छा वो है महंगा केल्स का मगर अभी मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट सीरम और यहाँ से मिलता है पाकिस्तान, ये रहा, ये रहा, ऑनलाइन मिल जाएगा ऐसे नहीं कि दुबई ड्यूटी फ्री से मिल जाता है। हील्स वालों के आई यूज अ लॉट ऑफ हील्स। अच्छा ये देखिए मैं इसके बारे में बताऊं, संबंधी मिलता है यहाँ से, ये सबसे अच्छा है, ओवरलैपिंग ये बता रही हैं आलिया कि ये मेकअप वगैरह सब साफ करने के बाद बेड टाइम है, बेड टाइम पे ये है कि हील्स का क्लियर करेक्टिव डार्क स्पॉट सॉल्यूशन, एग्जैक्टली थोड़े से डार्क स्पॉट बोतल भी दिखा देते हैं आप, और इसने पूरा ओवरऑल मेरी स्किन को, ये देखिए अच्छा खासा है, काफी चलेगा, बहुत चलता है। हाँ, ये और ये आपने दुबई से लिया है? नहीं, ऑनलाइन, ऑनलाइन, अब ऑनलाइन की, ऑनलाइन की। अच्छा मेरे हस्बैंड दुबई एक्सपर्ट है, ये सब मुझे तो इनका जाहिर है, जब अब भी मैंने स्टार्ट में कहा मुझे कुछ स्किन का करना तो ही नहीं, उन्होंने आपको ये सब चीजें, ये भी उसने मंगवा के दिया, ये भी उसने मंगवा के दिया, ये उसके काम होते हैं। अरे ग्रेट, हस्बैंड कहाँ इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज में, वेरी गुड। नहीं नहीं उसको बहुत होता है कि तुम देखो तुम आजकल किचन में ज्यादा जा रही हो तो ये लगा लिया करो ये, वरना बा खुदा मैं वो थी कि दुनिया का मेकअप, अब तुमने पहला सवाल किया था कि मेकअप रिमूव कैसे करते हैं, पीटीवी स्टाइल था मेरा, सारी जिंदगी वही रहा और स्किन ढीट थी, तो मैंने कोई भी ऑयल लेना, फर्ज करो कोई भी, सरसों भी पड़ा है ना सर पे डाल लेके, उससे अच्छा सा मसाज किया, उसको टिश्यू से साफ किया और फेस वॉश कर लिया, दैट्स इट। अच्छा और मेरी वॉशरूम में जो फेस वॉश होते थे ना इससे पहले, तुमने बोला फेयर एंड लवली, मैंने कहा अच्छा अच्छा है, फेयर एंड लवली ले लिया, इसने बोला फलाना अच्छा है, अच्छा है, अच्छा चलो ले लिया, और करती गई ये जाने बगैर कि ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, लोगों को तो एकदम पता चलता है ये शैम्पू सूट नहीं कर रहा, ये कुछ लटकट पत्थर हजम कर लेती। अच्छा बालों के लिए क्या करती है, ये तो स्किन हो गई ना। अच्छा बालों से मैं बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैं उसके साथ भी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बाल आपकी फैमिली में सबके अच्छे हैं, एक तो जीन आलिया के भी, उनकी भी, सादिया के भी, बाजी की भाभी के भी, सबके। हुआ ये कि बालों को मैं बहुत छेड़ती नहीं हूँ, लेकिन ब्रेक की बात करेंगे बाल की बात, क्योंकि ब्रेक आ गया। अच्छा हाँ ठीक है, और आप क्या बताएं कि जो आप भूल गई है वो हमने दिखानी है, उसकी तस्वीर गार्नियर का जो मैंने कहा था मिरेकल वो ढूंढती हूँ मैं, वो आपको दिखाती हूँ छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद सारी खूबसूरत खवातीन की ब्यूटी सीक्रेट्स आपके सामने लेकर आएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चार खूबसूरत हसीनाएं हमारे साथ, और बहुत बड़ी बात है अपनी ब्यूटी सीक्रेट्स अपने फैन से शेयर करना, और इनका बड़ा दिल है, मतलब मैंने अक्सर लोग देखे हैं छुपाते हैं चीजें, अच्छा जी हमने तो कुछ नहीं कराया, हमने तो कुछ नहीं लगाया, तो हमारा नेचुरल है। बिल्कुल बिल्कुल, एक जमाना होता था जिसके लंबे लंबे बाल होते थे तो हम उससे पूछते थे कि आप किससे, मतलब कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ, मुझे अच्छे से याद है, वो कहती थी वो कपड़े धोने वाला साबुन लगाती हूँ मैं। सोडा और सब कुछ होता है उसके अंदर, तो क्योंकि वो कपड़ों जैसी चीज के मैल निकाल रहा है, तो नहीं मगर लोग यूज करते थे, लेकिन पहले पहले छोटे छोटे हमारे अंदर मॉइस्ट होता है बालों के अंदर, हर चीज होती है, नरिशिंग ऑलरेडी होती है, ग्लोइंग स्किन भी होती है, भले एक्नी हो जाए कुछ हो जाए, उस वक्त हम कुछ भी इस्तेमाल करते हैं ना तो लकड़ अजम पकड़ अजम होता है, मगर जब हम बड़े हो जाते हैं ना फिर ये चीजें अब हम इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं उस जमाने में वो चीज अच्छी थी, अब प्रोडक्ट खराब हो गया, ऐसा नहीं है, खराब हुई हम खराब हो गए। अच्छा हमने डिस्कस किया था वो जो ये बता रही थी कि मेकअप उससे उतारती है, आपको मिल जाएगा, उसकी तस्वीर मैं दिखा रही हूँ, गार्नियर का है ये, मैंने इनसे पूछा, ये मिरेकल क्लेंजिंग वाटर है ये, और ये आप क्लेंजिंग पैड्स पे लगा के और फिर अपने फेस को मेकअप को पूरा साफ कर लेती है ना, यही है ना, ऐसे साफ होना, सेम यही है, तो क्योंकि वेट टिश्यूज जो है वो रैशेस पैदा कर देता है पूरे फेस पे, yes. कहते हैं ना बच्चों को भी नैपकिन के टाइप से, नहीं मुझे नहीं करता, मैं तो ये जॉनसन्स के करती हूँ, मेरी तो जिंदगी इसी से ही शुरू होती है और ऐसा लगता है इसी पे खत्म हो है। आपकी कंप्लीट मैं इनकी चीजें कंप्लीट करके फिर मैं आपके पास आती हूँ ताकि आपकी प्रोडक्ट्स दिखाऊं। अच्छा आप हेयर पे आ गए थे, अच्छा हेयर पे मैं कुछ भी यूज एज सच नहीं, कोई शैम्पू ऑयलिंग करती है, ऑयलिंग मैंने जिंदगी में नहीं कहे, और सीरियसली मैं तेल लगा ही नहीं सकती, क्यों मुझे सर में दर्द होता है,
अक्सर लोगों से सुना है सर में दर्द हो रहा है तेल डाल लो। हाँ मैंने तो तेल डाला नहीं कि आंखें लगता सूज रही है। और मैंने देखा है सादिया तो मतलब जब सादिया को डेली तेल लगाना है डेली है ना डेली उसका बेड टाइम शूटिंग से जब वो है प्रीज उसके तेल चुका। हाउ डज शी स्लीप और वो सो वो लगाए बगैर रह नहीं सकती तेल लगेगा और फिर वो सुबह शावर के साथ निकलेगा उसका एक एक पूरी लाइफ है। उसका भी ये होता है अच्छा मुझे ज्यादा नहीं लगाते हैं। एक दफा ना डॉक्टर ने भी किसी शो में या पता नहीं मैं किसी के साथ गई थी उन्होंने बोला था कि ऑयल को अगर आप किसी पेपर पे लगाएं उसको पानी डालें तो पानी आर पार नहीं होगा। हाँ। क्योंकि उसने सारे मसाम बंद कर दिए। जी जी तो ऐसे ही हमारे सर पे जो स्कैल्प है उसके मसाम बंद हो जाते हैं उतने टाइम के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। तभी शायद ज़हनी हालत सादिया की माशाल्लाह है। अब वो वहां बैठ के कह रही थी ज़हनी हालत ज़हनी हालत आ रही है अभी। आलिया डार्लिंग तुमने अभी टिकट कटवा लिया बहना से मुलाकात भी करनी होगी ना। मां सबके है मैं बहुत मिस कर रही हूँ उसको और नीरा सब मिस कर रहे हैं सीरियसली। लेकिन मैं वैसे एक मजाक की बात अलग है लेकिन अच्छा शैम्पू कौन सा इस्तेमाल अच्छा शैम्पू जो भी मिल जाए लेकिन फिलहाल मैं आजकल कर रही हूँ ये वाला लॉरियल ये कलर प्रोटेक्टेड है ये अच्छा, इसका कंडीशनर लाई हूं। अच्छा शैम्पू मैंने चेंज किया आज ये कंडीशनर इसका कर रही है और शैम्पू आपने ये वाला फ्रेशनर इसमें का है ये भी कलर अच्छा कहते हैं ना कि शैम्पू थोड़े थोड़े दिनों बाद चेंज करना है। हर मैं तो कभी हर महीने या तीन महीने बाद बिल्कुल करना है ना फेस वॉश भी चेंज करती रहती करना चाहिए। तो ये है मेरा सिंपल सा और लेकिन इसके फौरन बाद मैंने ची का मैं एक वो भी लाना भूल गई हूँ ची का मैं सिरम लगाती हूँ। अच्छा वो बहुत आम सा किसी भी स्टोर से आराम से आजकल ये है आम नहीं लेकिन मिल जाता है। देखिए एक जमाने में सिर्फ शैम्पू करती थी हर कोई शैम्पू करता था सिरम इवन कंडीशनर भी करते थे। हाँ लेकिन अब शैम्पू कंडीशनर एंड देन सिरम वो इसलिए मेरी ये तीन चीजों की रूटीन इसलिए बन गई है कि इट्स बिन लाइक 15-12 इयर्स मैरिज उससे पहले के 4-5 इयर्स तो 15-16 इयर्स हो गए मुझे ये हाइलाइट्स करवाते हैं। इससे सर पे बाल बचता नहीं है। ओहो लोग हैरान होते हैं मेरे सर पे क्योंकि मुझे बालों का बहुत आप बहुत ऐश में जाती हैं जो ऐश टोन है वैसे ही बाल लाना ही पहले फाड़ देती है उसके बाद अच्छा ये जैसे एक हेयर मास्क ये क्या है मैं डिफरेंट करती रहती हूँ लेकिन इस वक्त मैंने ये लिया हुआ है और ये है प्रीफेक्ट रिपेयर मार्क्स दिखाएं जरा हम फोकस कर लें इसका नाम नहीं तो अब नाम ही छुपा दिया डायरेक्टर साहिबा कैमरे में दिखाऊं नहीं नहीं उधर ही रखें फोकस तो करने दें ना दिखा करो फोकस ये ताकि लोग अच्छा आराम से मिल जाएगा पाकिस्तान यार ये कहानी अच्छी लग रही है नहीं अच्छा आप मैंने नोट किया स्किन से ज्यादा अपने बालों पे तवज्जो ज्यादा देते तो ये लगाते कब है अच्छा इसका भी मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है लोग क्या करते हैं शावर लेते हैं कंडीशनर किया लगा लिया धो लिया अच्छा मैं शावर लिया कंडीशनर जो अपना पूरा तीनों चीजें कर ली ड्राई भी हो गए शाम तक बाल फिर इसको लगाती हूँ ड्राई बालों पे लगाती हूँ ड्राई बालों पे इसको लगा के फिर इसको सूखने तक थोड़ी देर छोड़ा फिर दोबारा शावर लेती हूँ नहीं सिर्फ रिंस कर लिया अच्छा दैट्स इट ओके और ऐसे हफ्ते में कितनी दफा करती हैं ये मैं इसको 15 दिन में 2-3 और कितना चलता होगा पूरा साल चलाती हूँ पड़ा हुआ है तो लेकिन ज्यादा छोटी सी है मास्क आपने इतना बड़ा नहीं और भी बड़े मैंने प्रोटीन बहुत लगाती थी प्रोटीन का एक ग्रीन कलर का जार आता था प्रोटीन ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट वो भी लगाती थी सिर्फ इसलिए कि मेरे बाल सर पे बचे और क्योंकि आप इतना ट्रीटेड है ना ऑलरेडी हाँ तो सिरम मस्ट है ताकि डिटेंगल हो जाए आराम से बाल उनको क्योंकि जब आप ये ट्रीटमेंट लेते ये डाई कराते हैं तो जब आपके बाल जो है वो बहुत ज्यादा उलझते भी जी 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 उलझते क्योंकि थिन हो जाते हैं ना उनमें जान नहीं बचती तो जान के लिए आपको कुछ ना कुछ करना है। अच्छा जो मेरा मेन बालों का जो मैं समझती हूँ जो सबको सीखना चाहिए गीले बालों में कभी कोम ना और हम तो करते हैं गीले बालों में इतना ज्यादा टूटता है बाल ड्राई में नहीं टूटता और जो गीले बालों में चोटी भी बांध लेते हैं ना उसमें जुए इतनी पड़ जाती है हर तरह की बात होनी चाहिए ठीक है गीले बालों को आप जुड़ा बांध देते हैं जुड़ा बांध के आप थ्रू आउट पूरे दिन आप काम करते रहते हो अंदर आपके फिर वो मॉइस्ट जमा रहता है। हमारे घर में जो बच्चियां काम करती है मोस्टली वो कहते हैं ना उनको कि गीले बाल लेके किचन में आ गए तो भाई उनको भी तो बेचारों को सूखने का मौका मिलना चाहिए बालों को सुखाने का ना हम उनको हेयर ड्रायर देते ना कुछ देते हम कहते नहीं जाओ पहले चुटिया बांध के आओ और उनके पास नहाने के बाद ऐसा नहीं होता कि वो धूप में फिर के बाल पहले सुखा लें और बेचारी जो घर में काम करती है उनके लंबे लंबे बाल उसका एक हाल निकाला है मैंने। हां बताएं ना यार ये भी सोने से पहले हमारी लड़कियां जो है नहा के सोती हैं अरे वाह टेंशन ही नहीं ताकि सुबह ये भी अच्छी सुथरी। अच्छा दूसरी बात ये कि ना स्पेशली वो बच्चियां और वो खवातीन जो हिजाब लेती हैं
उनके बाल बहुत टाइम के लिए बंद रहते हैं, उनको प्रॉपर एयर नहीं, उनको ज़रूर चाहिए कि थोड़ी देर जब घर में हो, जब उनको पता है इस वक्त कोई आ जा नहीं रहे, तो कम अज़ कम बालों को खोलें। उनके बाल बहुत ख़राब होते हैं, जी जी, यहाँ से गंज भी हो जाता है, गंज हो जाता है बंद बंद के, तो उसको। अच्छा, आपकी प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो गए, ये शहद और ये क्या रखा है? अच्छा, ये शहद नहीं, ये भी हेयर से रिलेटेड है। ये क्या है? अच्छा, ये मेरी फेवरेट तरीन चीज़ है और चीप तरीन चीज़ है। ये है क्या? जब ये है अलसी के बीज। ओह, ठीक है। ये मेरे पास इतने इतने बड़े जार भरे पड़े होते हैं। इसका फायदा ये है कि इसमें फुल ऑफ प्रोटीन है, स्किन हेयर बोथ के लिए। सही। अच्छा, जब मेरे फ्रिज आ गया बालों में, कलर करा के फ्रिज आ जाता है, जिसको आप ब्लो ड्राई से स्ट्रेट करते हैं, वो मैंने छोड़ दिया, और इसको छोड़े हुए भी मुझे 7 इयर्स हो गए, मैं ब्लो ड्राई नहीं कराता। ओहो, आज मैंने करवाया बड़े शौक से कि मैं आयरन करूँ, मजा है। तुम्हारी शो में भी कितनी दफा मैं कर्ली बालों से खोल के आ जाती थी, मैं कहती हूँ क्या, एक शो के लिए अब अपनी पूरी उसको खराब कर। क्या अंग्रेजी तो अलसी से क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? मुझे अलसी, ये क्या हर जगह से अलसी? हाँ, हर जगह के बीज। तो ये हाउ डू यू अप्लाई इट? यार इसको इंग्लिश में कहते हैं कुछ, इसको आप अप्लाई कैसे? मैं अभी आपको बताती हूं। अब मैं इसका प्रोसीजर बता दूं कि क्वांटिटी इतनी लें, इसको बोल उसमें पैन में डालें, थोड़ा सा पानी डालें और पानी के साथ इसको पकाएं। जो यहाँ पे ARY टीम ने मुझे इसका जेल निकाल दिया है। अच्छा, लेकिन ये बहुत पतला है, देखिए हिलने से भी लग रहा है। अच्छा, इसको और थिक होना चाहिए। अच्छा, अभी भी गर्म है। अच्छा, ये मैं पहले बना लेती हूँ। फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, फ्लैक्स सीड्स यार खाने के लिए भी अच्छा। फ्लैक्स सीड अक्सर क्रश्ड हुआ हुआ और ये स्टोर्स में भी मिलता है, जो आप लोग बना के रखते हैं ना इसबगोल के डब्बे में, फ्लैक्स सीड्स और कलंजी डाल देते हैं, तो वो बड़ा अच्छा फाइबर भी है भाई। अच्छा, अब आप क्या करती हैं? अच्छा, इसको जब उबाल लिया, उबालने के बाद चीज क्लॉथ रखा और रखने के बाद उसके ऊपर गिरा लिया और उसको अच्छे से निचोड़ के निकाल लिया। अच्छा, निकालने के बाद मैंने ये इसको फेस जड़ से लेके बालों तक पूरा लगाया, भर भर के। अच्छा, वाले ये होगा कब? जब आप पूरे नहा चुके, शैम्पू कर चुके, कंडीशनर कर चुके, स्कैल्प पर जब आप, नहीं स्कैल्प ही, ये स्टाइलिंग है मेरी। अच्छा, ये स्टाइलिंग है। अब मैं इसको लगा के ना बहुत सारा ऐसे ऐसे, फिर इनको यूं यूं करती हूं ऐसे। अच्छा, ये एज अ जेल यूज करती हूं। अच्छा, एक बात बताएं प्लीज, आपकी बात काट, ये सब कुछ जो आप करती हैं, तो आप अपने डायरेक्टरशिप का काम कब कर? तो काम कर दिया ना इन्होंने ज्यादा। अभी तुमने सीजर इंट्रो में तुमने बोला कि एक रिजीम होती है, होती है बिल्कुल, उसकी आपको इतनी आदत हो जाती है। मेरी तो बहुत, ये वैसे मैंने अपने बाबर को भी सिखा दिया, स्टीफन को, वो बना देता है मुझे खुद ही बना के और बोल में रख देता है। अब मैंने शावर, आपको आदत डेवलप हो गई है। देखो हर कोई, और स्पेशली विंटर्स में जब आप बाल खोलते हैं, तो मैं ऐसे से किया करने के बाद, इनकी प्रायोरिटी स्किन नहीं है, इनकी प्रायोरिटी बाल है, तो देखिए अपने बालों पे वो, इसलिए कि बालों से मैं पंगा कर रही हूँ ना मुसलसल, उसको कलर कर रही हूँ, कलर कर रही हूँ, तो मुझे डर लगता है वो बिल्कुल लूज ना कर दूं। अरे एक और काम की चीज लानी चाहिए थी मुझे, वो भी नहीं। जब मैंने ये सब चीजें शुरू की, तो मुझे होश कब आया कि हुआ ये कि बाल गीले, खच खच, कंघी की गोला बना एक थैली में, पता नहीं क्यों थैली में मैंने डाल, वो थैली तुम लोग देख लो तो तुम लोगों की चीखें निकल जाएं, मतलब कितना बाल है आपके जो गिरते थे बाल। हाँ हाँ, वो एक हैंगर में ना, एक शॉपिंग बैग मैंने टांगा हुआ, उसमें डाल देती हूँ। अच्छा, वो डालते डालते एक दिन मुझे घबराहट हुई, मैंने कहा इतने बाल, इनकी तो कोई एक्सटेंशन बनाए तो मेरे सर से ज्यादा बाल तो यहाँ, सीरियसली उसको दबा के भी करें तो इतना बड़ा थैला बनता है। दैट्स ऑल माइन। पहली फुर्सत में तो मुझे आई अकल कि मेरा हेयर ब्रश ठीक है। ओ, वो मैं दुबई से क्लिनिक के 2 ब्रश ले आई थी, वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो मेरे लिए नहीं थे, वो किसी और बाल के लिए, वो जैसे तुम फर उतारने के लिए थे बारीक वाले, नेटी मैं तो गंजी होती चली गई। ओए, ओए। मुझे आइडिया, ब्रश मैंने चेंज किया, उससे आधी लाइफ आसान हुई, फिर मैंने ये सब प्रोडक्ट्स यूज करनी शुरू की, ये उससे बेहतर हुए, बहुत बेहतर, थैली कम हो गई। हाँ, कम नहीं, रुक गई वहीं, लेकिन है अभी अभी भी टंगी हुई है, तो मुझे उनको अक्सर आइडिया कितना अच्छा पता चले कि आप, मैंने कहा कि यार कचरे में जा रहे हैं, चलो देखते हैं। वैसे वैसे भी ये सोच रही हूँ थैली भर जाती तो आप ट्रेंडों में कैसी लगती। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की रहमतें हैं। मुझे वहाँ ले गए। एक और बात बताऊं कि हमारी एक सेलिब्रिटी ने कहा कि जैसे आप एक कार खरीदते हैं तो आप उसकी मेंटेनेंस दिमाग में रखते हैं। कहा नादिया ने, नादिया ने, मैं शो देख रही थी, मेंटेनेंस दिमाग में रखते हैं, उसका बजट रखते हैं। वी आर नॉट हैंडमेड थिंग, हमें अल्लाह ने बनाया है। हम चीजें लूज करते जाते हैं, अल्लाह देता जाता है, इसकी एग्जांपल हमारे सर के बाल है। बस ये है कि अगर आपकी टेंट हो चुकी होती है शो पे, आप बैठ के बोल रही होती, वो मजा ना घर में है ना पिंड में, जो मजा टेंट में। ये फुल ये
पंजाब वाला सेंसर विमन लेकर नीतीश का जब कराची में थी ऐसी था ये कभी भी चेंज नहीं हुई था ये सही कह रहे अब हम रबाब की तरफ आ रहे आपने आपने अपने सीक्रेट हमसे शेयर किया थैंक यू रबाब जी आप बताइए कि क्या शुरू से ही आपकी स्किन अच्छी थी आप शुरू से ख्याल रखती थी शुरू से तो इतना सेंस नहीं था उस टाइम पे जब स्टार्ट किया आप मेरे तुम्हारी स्किन हमेशा से अच्छी ऐसे, हाँ ऐसे ही थी हाँ. बस ये था कि सोप मुझे सूट नहीं करा एक टाइम आया टीनेज में हाँ. कि मुझे साबुन सूट नहीं करा मैं जो बता रही हूँ कि मैं लाइफबॉय से मुंह धोती थी हाँ. बचपन में हाँ. तो फिर एक आई एम सर्टन ऐसा आया जब मेरी एज आई थिंक 15-16 होगी हाँ. तो फिर मुझे एक आधा पिंपल निकलना शुरू हो गया और मैं बड़ा घबरा गई अम्मी भी घबरा गई कि अच्छा दाना निकल आया तो कहीं बिल्कुल एक्ने ही ना हो जाए फिर मेरा जो पहला फेस वॉश था वो था नेट्रोजेना का अच्छा तो वो फिर फेस वो दानों के लिए अच्छा रहता है हाँ, ना पिंपल्स के लिए हाँ, और मेरी स्किन शुरू से ड्राई एक्स्ट्रा ड्राई अच्छा ठीक है बॉडी की भी मुझे हर हालांकि ड्राई स्किन पे पिंपल्स होते नहीं लेकिन तुम्हें निकला नहीं वो साबुन फिर मुझे एक टाइम हुई वाली बात है नहीं सूट करना शुरू हुई होगी वो एक एज आई तो उसने छोड़ दिया फिर तुमने क्या फिर बस मैं फेस वॉश पे आ गई और फिर मैं चेंज करती रही हर दो महीने बाद हर तीन महीने बाद डिफरेंट डिफरेंट फेस वॉश अच्छा को यूज करती रही और चेंज करती रही और अपने स्किन को मॉइस्चराइजर तो मुझे रखना ही अच्छा होता है शुरू से करती थी मॉइस्चराइजर क्योंकि मैंने तो जाके मतलब लाइक बहुत दिनों बाद बलाज के बाद जो अपनी क्रीम स्किन ड्राई बहुत थी जिनकी ड्राई तो करना ही करना पड़ता है ओवर ड्राई है ना मेरी मतलब उलझन होती है ना आप जरा सा मुंह धोए आपको लगता है खिंचा खिंचा चेहरा लग रहा है ड्राई हो रहा है हाथ पांव ड्राई तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे उसको मॉइस्चर तो रखना ही है तो तुम कौन सी इस्तेमाल करती थी उस वक्त तो याद नहीं कि कौन सी निविया आई थिंक निविया लगाती थी उस वक्त बेस्ट तो है ना निविया लगाती वो जो नहीं ब्लू ढक्कन वाली आती थी वो एक बॉडी के लिए क्रीम 21 भी होती थी है ना पिंक कलर की होती थी वो ऑरेंज अच्छा ये क्रीम 21 का लोशन है ना वही है उस जमाने जार आता क्रीम 21 लोशन ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग क्रीम 21 क्रीम 21 ड्राई स्किन के लिए ये बॉडी में लगाती हूँ ये बॉडी पे लगाती हूँ मैं इसी की फेस की भी आती है अच्छा ठीक है मगर मैं निविया लगाती थी उस टाइम पे अभी तुम फेस वाली ये लगाती हो क्रीम नहीं फेस पे तो ये नहीं लगाती अब तो मेरा ये अब तो बॉडी शॉप का विटामिन ये ई विटामिन ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है ये अच्छा ये तो दोनों मिला के लगा दिन में ये रात में ये अच्छा दिन में मॉइस्चराइजर जो विटामिन सी वाला है ये वाला ये लगाती हूँ रात में ये लगा ये बॉडी शॉप का हाँ, तुम दोनों बॉडी शॉप के हैं अच्छा दोनों बॉडी और ये तो पाकिस्तान में कराची में बॉडी शॉप की अपनी शॉप है इजीली अच्छा अपनी मेकअप किस चीज से उतारती हूँ क्योंकि मैं खवातीन को इसलिए बताती हूँ बहुत सारी खवातीन शादी वादी में की दावत पे गई आई घर पे ऐसी सो गई ये तो बहुत बड़ी ये कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल अच्छा ठीक है ना कोकोनट ऑयल मेकअप उतारने के लिए मेकअप उतारने के लिए बेस्ट अच्छा एक एक चीज आपकी ना ऑयल इज ऑयल से पहले मैं बेबी ऑयल से जॉनसन्स का बेबी ऑयल से अब मैं ये कोकोनट ऑयल एंटी एजिंग भी है ना अब ये देखिए ड्राई स्किन वाली जो है वो आपको बता रही है ऑयल से और ये जॉनसन्स के वाइप्स ये तो मतलब मेरे वाइप्स तो जिंदगी मेरी सेव है कि आपने लाजमी मुझे क्योंकि आपको रास्ते में शूट में लेट हो गए नहीं फौरन आपने वाइप किया अच्छा तुम पहले ऑयल से मसाज करके मुंह धोए बगैर पहले तुम जॉनसन के वाइप्स इस्तेमाल करती नहीं पहले ऑयल अगर मुझे टाइम है तो अगर टाइम नहीं तो डायरेक्ट इससे करती अच्छा ठीक है ना अगर मैं घर पे हूँ हाँ. तो फिर मैं ऑयल लगाऊंगी जॉनसन्स का ऑयल लगाऊंगी या फिर ये है अगर खत्म नहीं हुआ ये मेरा तो फिर यही लगेगा या लेकिन हम कोकोनट ऑयल वो जो हाँ नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं आप ऐसी कोई बात नहीं है आप क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है बहुत ड्राई है तो फिर मैं ये वाइप इसके साथ वाइप और फिर फेस वॉश कर लिया अच्छा फेस वॉश तुमने बताया उसी फेस वॉश ये जो आलिया का है ये और फिर मैं चेंज करती हूँ ये लॉरियल का यूज करती हूँ चेंज करती रहती हूँ बॉडी शॉप का विटामिन सी टू गुड हालांकि तुम्हारी तो ड्राई स्किन है विटामिन सी तुम हाँ नहीं वो सूट करता है मुझे अच्छा मुझे सूट करता है डिफरेंट वो होती है मुझे सूट करता है फिर अगर मुझे लगता है कि अब वो ज्यादा ड्राई कर रहा है फिर मैं चेंज कर लेती हूँ क्योंकि गर्मियों में तुम्हें लगता है वो सही हाँ गर्मियों में और सर्दियों में तो फिर मेरा तो ओवर ही हो जाता है तो वो फिर मैं
कोशिश करती हूँ। और बताओ क्या क्या यूज करती हूँ? और बूट्स का ये मैं आई जेल यूज करती हूँ। आई जेल बूट्स का है ये क्या होता है? मैं रात को लगाया और बस हल्का सबके लिए, इसके लिए ये भी मैं चेंज करती रहती हूँ। अच्छा, बट आजकल मैं ये यूज कर रही हूँ बूट्स का। और ये रात को सिरम में यूज करती हूँ। ये बहुत अच्छा सिरम बॉडी शॉप का। बॉडी शॉप का कौन सी ड्रॉप से क्या नाम है? ये ड्रॉप और लाइट ड्रॉप किया हुआ है। मैं ये बहुत अच्छा है। इसलिए एक बात प्रैक्टिकल है, हम बहुत सारी चीजें अपने ऊपर तो बता देते हैं ना कि अच्छी लग रही बुरी लग रही, मगर सुबह शाम उसको यही काम है, वो पूछती है हर एक से, शो के बाद भी, ब्रेक में भी, उसकी इन चीजों में परफेक्शन बहुत अच्छी है। अगर कोई चीज में वो कह रही होती है ना ये अच्छा है, मैं कहती हूँ यही तो अच्छा है। नहीं नहीं, ये वाकई अच्छा है, क्योंकि ये आपका टैन खत्म करता है, जैसे हम धूप वगैरह में निकलते हैं ना, पिगमेंटेशन वो खत्म करता है छाइयां। और अच्छा, उसके लिए वही जो मैंने कहा था केल्स का, ये भी बहुत अच्छा, ये सिरम और फिर दो और हसीनाएं हमारे पास हैं जो अपने ब्यूटी सीक्रेट्स आपसे शेयर करने वाली हैं। छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपसे ये सारी हसीनाएं अपनी ब्यूटी सीक्रेट शेयर करें। आलिया ने बताया कि वो क्या क्या चीज़ अपने बाल और स्किन के लिए यूज़ करती है, रबाब ने बताया, और अभी रबाब की चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई थी, हम ब्रेक पे चले गए। फिज़ा और नताशा, इनकी भी प्रोडक्ट्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ रबाब। आप घर में कोशिश करते हैं कि अपने घर पे स्किन का जो है वो ख्याल रखें, तो ये हफ्ते में मास्क कितनी दफा लगाते? एक दफा, एक आध कभी, दस दिन में, डिपेंड करता है, मूड पे भी डिपेंड करता है मेरे, कभी दिल चाह रहा है सुस्ती हो रही है तो नहीं लगाना, और कहीं नहीं जाना तो नहीं लगाना, और कहीं जाना है तो। कौन सा मास्क है? ये बॉडी शॉप का है, बॉडी शॉप का है, ये राइस का है। मगर अगेन तुम्हारी ड्राई स्किन है, राइस मास्क, विटामिन सी, ये दोनों चीजें रेकमेंड सूट करती है। नहीं मगर मुझे सूट करती है, तुम्हें सूट करे, एक मैं झूठ तो नहीं बोल सकती जो मैं कर रही हूं। तुमने कहा कि तुम्हारी स्किन है ड्राई, बात ये कर रही हूं कि हमारी जो चीजें हम बता रहे ना कि ड्राई स्किन के हिसाब से आप ये यूज करें, वो जो बेचारी घर बैठी औरत है वो तो खरीद लेगी, वो अब नहीं बोले जो तुम यूज करती हो वो नहीं, मगर वो ड्राई स्किन के हिसाब से आप अगर बता रही हो ना, आप ये भी बता दो साथ कि अगर ड्राई स्किन आपकी है तो आप यूज ना करें, मुझे सूट कर रही है। कॉमन सेंस होगा कि वो जो नहीं कॉमन सेंस नहीं होता, शुरू हो जाते हैं। इससे साबित ये हो रहा है कि देखो वो कोकोनट ऑयल भी यूज करती है, वो बहुत सादा गर्मी में बहुत ऑयली चीजें भी यूज करती है। और आपको पता है विटामिन सी इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, मगर मुझे सूट कर रहा है, मुझे सूट में रह नहीं सकती, जो देखने वाले वो ना शुरू कर दे, बस मेरा ये विटामिन सी ड्राई स्किन, मुझे चल रहा है आप ना करें। जैसे मेरी स्किन कभी ड्राई हो जाती है, मेरी भी कॉम्बिनेशन मेरी भी ऐसी होती है, बिकॉज़ हम लोग मेकअप यूज़ करते हैं लाइट के आगे खड़े, बट शी सेड थ्राइस मेरी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है। अंदर से हॉर्मोन्स का भी चेंज आता है उम्र के साथ साथ, तो आपको खुद पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। मेरी तो ड्राई स्किन थी, मेरे मसाम खुलने लगे, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के पोर्स ओपन नहीं होते, नहीं होते, ऑयली के होते हैं। ये हॉर्मोन्स का चेंज होता है जो होने लगते हैं, तो आपको लग रहा होता है कि जवानी से आपकी टीनेज से आपकी ड्राई मॉइस्चर खत्म हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऑयली हो जाती है, फिर कभी ड्राई हो जाती है। मैं ऑडियंस से अपनी चीजें शेयर कर रही हूँ जो मैं यूज करती हूँ, मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रही, आई एम नॉट, मैं यहां रेकमेंड करने नहीं बैठी हूं, मैं यहां रेकमेंड करने नहीं बैठी, मैं यहां अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं कि मेरी स्किन का क्योंकि क्या है, मैं क्या प्रोडक्ट रिस्पॉन्स करती हूं, और क्योंकि जबरदस्ती थोड़ी ये ले आई हूँ, पैसे खर्च करके ये खत्म भी हो रहा है, बिल्कुल खत्म पे, और ये मुझे सूट करता है ये। अच्छा जी, सर्दियों में भी करती हो तुम ये वाला यूज, या तुम सिर्फ गर्मियों में ये वाला? नहीं नहीं, मैं तुम चेंज करती रहती हूँ, प्रोडक्ट चेंज करती हूँ जो सूट कर जाए, मगर मोस्टली अच्छा। मुझे लगता है कि ये हाँ मैं उसको ये कर लेती हूँ कि मैं 20 दिन के बाद आ जाती हूँ। अच्छा, जो चीज मुझे गर्मियों में हफ्ते में करनी है ये मैं 20 डेज पे आ जाती हूँ कि भाई अब मुझे, मगर ये जो क्रीम्स है मेरी, और तुम ये क्रीम दिखा रही थी ऑलिव ऑयल,
हाँ, ये अगर ये तो मेरी, ये भी लाइफ सेवर है, ये भी बहुत अच्छी है। अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट खत्म हो गई है, कुछ भी है, ये तो बहुत ये अच्छी है। लगा ऑयल ऑफ ओले है ना, बिल्कुल बिल्कुल भी। और ये आप मुंह धोएं और आप इसको लगाएं, इससे स्किन टोन भी बड़ी पिंक, बड़ी प्यारी पिंक पिंक सी और बड़ी ग्लो ग्लो हो जाती है। वो लगाती हूँ। और क्या, ये मिस्ट है, ये वही विटामिन ई, ये फेस अच्छा ये मतलब आप जैसे रोज वाटर यूज करते हैं ना, जैसे आप रोज वाटर यूज करते हैं, तो आप इसको आप लगाएं और इंस्टेंट आपको आपकी स्किन जो है वो, ये भी विटामिन सी है, नहीं ये विटामिन ई है। अच्छा ये अच्छा है। देखो ना ये क्या करती है, एक्सट्रीम ऑयली चीजें भी यूज करती है और वो तो वो मिक्स होके कुछ मीडियोकर सी चीज बन जाती है। जैसे ये बच्चा तो भी है हर जगह, ये विटामिन ई जो है ये स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए तो है ही, क्योंकि आपकी स्किन रंग बदलती है। जैसे मैं किचन से आई, मुझे लगा कि गरम हो रहा है, तो ये मैंने फ्रिज में रखा होता है और ये मैं वेरी नाइस, ये फ्रिज में रखती हूँ। इसी तरह का विटामिन सी सीरम भी होता है, स्प्रे स्प्रे। हाँ हाँ, अब जैसे मेरी स्किन ये ये भी मैंने यूज किया है, ये भी मुझे सूट करता है। सोचो कि ये भी मैंने यूज किया और ये भी मुझे सूट करता है। हैरत की बात। आई थिंक ये इसलिए सूट किया क्योंकि मिस्ट है, मिस्ट में तो ऑलरेडी मॉइस्चर। मेरी जान मुझे मगर क्रीम्स भी सूट करती है ना, अब मुझे करती है सूट, तो मैं कर रही हूं, कर रही है ना। हो सकता है इसकी, इसको लगता है उसकी ड्राई स्किन है, हो सकता है इसकी चेंजेस आ गई हो। हां इसको ये फील हो रहा है मगर इसके अंदर को कहानियां चेंजेस है। रबाब अब हम तुम पे बात करेंगे क्योंकि ठीक है, हम काम ही करते हैं बालों पे। अच्छा बाल हमेशा छोटे ही रखे? नहीं नहीं, बाल लंबे लंबे थे। हाँ लंबे थे, मतलब बीच में एक आया था फेस जो मैंने बाल छोटे करा लिए। मुझे याद है तुम्हारी वो मॉडलिंग की भी तस्वीरें जिसमें तुम्हारे छोटे छोटी पोनी बांधती थी। हाँ वो भी है, वो भी, मगर मैं ज्यादातर लंबे ही रहे हैं। अच्छा अभी लंबे कितने हैं अभी भी? अच्छा मुझे तो छोटी पोनी वाली रबाब याद, पुरानी याद है ना, पुरानी रबाब यार। बीच में एक्चुअली पिक्चर्स आपके दिमाग में नक्श हो जाते हैं। तुम्हारा ये वाला जो मुझे भी याद आ गई, बॉब कट वगैरह जब इन हुआ था तो तुमने बड़ा बॉब कट करवाया थी, बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बालों पे कभी भी मैंने इतना इसलिए नहीं करा कि मेरे बिल्कुल डेड स्ट्रेट बाल हैं। ओके मैं जितना डाई कर लूं, मैं जितना प्रोडक्ट, मेरा फ्रिज नहीं आता। और मेरा रोज मुझे वॉश करना पड़ता है, रोज मेरा सर पे उठती हूँ ऑयल होता है भरा हुआ। ये देखो मुंह ड्राई और मुंह ड्राई मेरा और मेरा चेहरा। अब मैं लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगी भाई, मेरे साथ ये मसला है ना, जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं बस, मैं जो मुंह में तुम्हारे तेल की कमी वो सर से निकल सर से क्योंकि ग्रीस हो जाता है ना सर पे। गर्मियों में मैं डेली करती हूँ शैम्पू। कौन सा करती हूँ मैं? ये वॉल्यूम वाला। और कोई कंडीशनर यूज नहीं करती, कोई मैं कर ही नहीं सकती, उसके बाल ऑलरेडी डेड हो जाएंगे। लिम करते हैं मेरे बाल ना। और ये मैं वॉल्यूम वाला, ये है ड्राई शैम्पू, ड्राई शैम्पू। ये भी मेरी दी बेस्ट है, दी बेस्ट। अच्छा। मैं करती हूं। ये कौन सा प्रोडक्ट है? टोरियन गाय का बेस्ट है ये। और इसमें आपको एकदम से बाल वॉल्यूम देता है आपको। अच्छा अगर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ड्राई शैम्पू क्या होता है, ये ऐसा होता है कि अगर फर्ज करें आपके पास टाइम नहीं है आपका आपके बाल धोने का, तो आप ये ड्राई शैम्पू जो है वो स्प्रे की तरह अपने स्कैल्प पे लगा के लगा के बाल उठा के करते हैं, स्प्रे कर ऐसे ही करते हैं, स्प्रे इनको पता चले कैसे निकलता है, ये कैसे निकलता है। ऐसा ना सोचे ना कि कोई फोर कैसे नहीं नहीं कहने वाले कि फॉर्म में नहीं है, मतलब ये स्प्रे कर कोई गीली चीज नहीं है, आपको ड्राई रहे रूट्स पे करना है। यार खुशबू कितनी अच्छी है, जब सर नहीं धोया बदबू कितनी आती है सर से, कितना अच्छा खुशबू है। ये बहुत अच्छी खुशबू है, ये एक्चुअली बेस्ट एक ये और ये बेस्ट है। अच्छा मेरे साथ क्या होता है, वही मेरा जो रोज ऑयल आता है, तो जिसमें मैंने कर्ल्स करवाए हैं और मुझे रखना है वो अगले दिन, और मेरा मॉर्निंग शो है या मुझे, तो मैं इसको फॉरन, मेरे पास टाइम नहीं होता तो इस पे रूट्स पे करा हुआ, ये बिल्कुल ड्राई एकदम से ओके, तो आपका ऑयल खत्म हो जाता है, करता है फिर स्टे करता है और फिर ये वॉल्यूम देता है आपको बूस्टर। हां अब वो जो ग्रीस की वजह से सर में स्मेल आती होगी मॉर्निंग शो में बराबर में बैठा हुआ बंदा, किसी को पता ही नहीं चलता। फिजा फिजा कह रही हूँ, फिजा एक दिन में नहीं है स्मेल आती है, अगर आप रोज शैम्पू
ये ड्राई शैम्पू इजाद इसलिए हुआ था जो हमारी बिल्कुल एक्सट्रीम कंट्रीज है ना, बहुत सर्दी होती है और आप एवरी डे वॉश स्पेशली हेड वॉश तो कर ही नहीं सकते, 7 डेज 8 डेज में जाके कई बारी आती है और आप जॉब पे भी जा रही हैं, आपको अच्छा भी दिख रहा है, तो ये उनके लिए इजाद हुआ था कि आप इसको कर लें। अच्छा, इसका एक टोटका भी साथ साथ बता दूं कि अगर आपके स्कैल्प में ऑयल आ गया और आपने हेयर डू अपना रखना है, कोई सा भी टेल्कम पाउडर आपके अलमारी में होना चाहिए। मैं करती हूँ ऐसे पार्टिंग की ये डाला, फिर पार्टिंग की डाला, थोड़ी देर 2 मिनट छोड़ा, उसके बाद यूं यूं करके हटा दे, हट नहीं रहा, ड्रायर से हटा दे, हट जाता है फौरन, बाउंस हो जाते हैं बाल, जो पिचक जाते हैं ना ऑयल से, वो फौरन ऊपर आ जाते हैं। इसके साथ भी यही सेम होता है। अच्छा, ये हो गई तुम्हारी पूरी नहीं, ये और ये मेरा ऑयल है। ये कौन सा ऑयल है? ये मैंने खुद बनाया हुआ ऑयल है, ये मेरा टोटका है। इसमें कोकोनट ऑयल और इसमें मेथी दाना और इसमें कैस्टर ऑयल। अच्छा, कैस्टर ऑयल तो कितना अच्छा है, वो ये सारे मेथी दाने, मेथी दाने को जला के डाले। हाँ, मतलब इस पूरे को बना के फिर पकाया है इसको, तेल को उसको पका। मतलब मेथी दाना भी तो ग्रीस देता है बालों में, जब बंदे का बाल खुश होता है। मेरे साथ मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मेरी दुश्मन क्यों हुई, क्योंकि हुई हकीम थी ना, तो मुझे ये मैं हफ्ते में एक दफा यूज करती हूँ। अच्छा, ठीक है, ये मेरा ऑयल बना हुआ है, इससे जो है ना आपके बेबी हेयर ग्रो करते हैं, जो आपके टूट जाते हैं बाल, तो वो जो आपके स्पीड में ग्रोथ होती है इसकी, तो ये मेरा समझो जवानी का ही टोटका है। ओ, ये तब से चला आ रहा है ये। और ये अच्छा, रेशियो क्या रखती हो? एक आपका टिन आता है ना, वो ग्रीन कलर का कोकोनट ऑयल का है ना, ग्रीन, वो पूरा 2 कैस्टर ऑयल की बड़ी वाली बॉटल और 1 पाव ये मेथी दाना, इनको डाल के पका। देखो पिज्जा, कैस्टर ऑयल भी बहुत ऑयली होता है, ऐसे तो मेथी कह रही हो ना, कैस्टर ऑयल बर्बाद हो जाते हैं उसकी, उसके बाद कहते हैं ना कैस्टर ऑयल। अच्छा, कैस्टर ऑयल को भी डायरेक्ट नहीं लगाया, गरम करके बाल निकालता है और पलके निकाल देता है, पलकों में लगाओ, हर चीज स्किन के लिए भी अच्छा है, हर चीज के लिए। मगर बात ये कि मेथी दाना जो है ना, वो जैसे अगर हम लोग तेल के अंदर ना जला के या ऐसे करके उसको डालते, तो वो जब ऐसे ऐसे करो ना, जिनके सर में ग्रीस नहीं होती, तो नाखूनों के अंदर ग्रीस भर जाती है, ग्रीस लाने के लिए मेथी दाना इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ ऐसी चीजें भी छोड़े कि इसके पहले ये चीजें ठीक हो जाए, ताकि वो कंडीशनर तो लगा सके बेचारी। नहीं, मुझे नहीं लगाना कंडीशनर। अच्छा, बच्चे तू ही नहीं, मुझे आप केमिकल्स से तो बचे, मुझे कंडीशनर जो। अब मैं जा रही हूँ नताशा की तरफ, ताकि मैं सबकी चीजें, वो जितना डर गई है। अच्छा, मेकअप नहीं आया हम कोई बात अभी, मेकअप बाद में, मुझे पता कि मुझे कुछ। अच्छा, अब हमारे नटी आपकी स्किन की तरह, ठीक है, आपकी स्किन भी मैंने देखी कि हमेशा बड़ी प्यारी रही है, हमेशा जब से आप सीन में आई हैं और अभी तक भी वेल मेंटेन लगता है कि आप अपने टाइम देती हैं अपनी स्किन केयर रूटीन। मैं बिल्कुल देती हूँ, टू अ पॉइंट ऑफ इरिटेशन। अच्छा, मतलब मेरी जो क्लेंजिंग रूटीन है, जब काम से घर गए, मेकअप आपने क्लेंज करना है, इट्स अनोइंग। अच्छा, शुरू शुरू में मेरे मियाँ से, यू नो बूनी वेरी वेल, लड़ाइयाँ होती थी, बिकॉज वो कहता था कि किधर हो, लाउंज में बैठा हुआ है, बच्चे बैठे हुए हैं, एंड आई सोचा आ रही हूँ, तो मैं थोड़ा स्ट्रेस लेती थी। एक दिन मैंने उसको कहा कि हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं इस बात पर, तो जब मैं घर आती हूँ काम से, प्रिटेंड कि मैं नहीं आई, क्योंकि मुझे अपनी रूटीन भी करनी है, अपना नहाना भी करना है, सारा मॉइस्चराइजिंग, क्लेंजिंग, एवरीथिंग, डोंट कॉल मी, मैं उस दिन पूरी, मतलब मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। तो वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हुई, बिकॉज मुझे बहुत शौक है, बचपन से एक्चुअली शौक है स्किन केयर का। अच्छा, मैं जब अच्छा दोनों मियां बीवी हेल्थ कॉन्शियस भी है, बहुत ज्यादा इसको पता है, अपना ख्याल करते हैं, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, हमारे घर में गिजा खाना, जो सही गिजा है वो ये लोग खाते हैं। हमारे घर में चोजन फूड आता है कि पड़ा ना हो ताकि खाया ना जाए। वेरी राइट, लाइक लिटरली मेरे आंखों का देखा है, बिल्कुल आपने देखा, आपको पता है। और आपने मुझे वो मिठे का वो बनाया कि आपके घर में आई थी, तो आपने जूस इतना हेल्दी जूस पिलाया था, काली मिर्च वो डाल के, मीठा था और ग्रेपफ्रूट था, वो मिक्स करके इन्होंने कुछ। मैंने कहा हाँ अभी खड़े होके पियो, कहती कड़वा तो नहीं, मैंने कहा जो भी है पियो, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें। अच्छा, और इतना इसको मैंने पिया स्किन, देखिए ना, मतलब लाइक स्किन जो है सिर्फ चीजें लगाने से नहीं, आपके अंदर भी होता है। मैंने एक मौसमी उस वक्त डाली थी, इसलिए कि वो आपको बहुत खट्टा ना लगे, और ढेरों ढेर काली मिर्च, नो सॉल्ट एंड फ्रेशली स्क्वीज्ड। आप शुरू से ही हेल्दी खाना खाती हूं? मैं बहुत, मुझे बहुत शौक है। फिर मेरी, इसको पता है, शादी हुई तो मेरा मियां बहुत
ये है कि ये इस्तेमाल करो, ये करना है, उसको पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत पता है, ही इज वेरी फिट. उसको कपड़ों के स्टाइल पता है कि क्या पहनना है, व्हाट इज सूटिंग यू. कई दफा हुआ लास्ट मिनट कहीं हम जा रहे हैं, मैं सीढ़ियों से उतरी, उसने कहा What are you wearing? मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं जा रहा. Go change. मतलब एक मॉडल का मियाँ अगर होना चाहिए इसके इसके मियाँ जैसा है ना. हम ऐसे बोलते हैं लाहौर में. और बहुत पर्टिकुलर अबाउट फूड ईटिंग. मतलब मुश्किल से उस दिन मेरे पास चॉकलेट नहीं थी कि मैं इसको खिलाऊं. मतलब वो अनलेस इट्स लेंट और आफ्टर एट और समथिंग, यू नो, वो जो पतली पतली होती है. चॉकलेट्स भी तुम लोग ऐसी सोच के खाते हो? फैटनिंग, मतलब आप अपने फिजिकल आपकी एक अपीयरेंस जो है वो डिजायरेबल होनी चाहिए. मतलब स्लीवलेस ये कैरी कर रही है, हम लोग के हाथ इस तरह के नहीं होते कि हम पे अच्छा लगे, क्योंकि हमारे फैट्स इधर कहीं फंसे हुए होते हैं या हाथ के अनबैलेंस. बट मतलब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो हील कॉल एंड से कि कितने पुशअप्स किए, कितने राउंड्स किए, कितनी रनिंग की, कितना ये किया. मतलब जिस दिन मैं कहूँ अच्छा मैं तो बिजी है, वो अभी मैं What you can't exercise, मतलब he goes in a sakta, ये कैसे हो सकता. अच्छा तो आप हैं वो मैं I follow that और मुझे बचपन से भी और एक्सरसाइज करने से भी स्किन अच्छी होती है. अब जब when I started ना, मेरी जो बड़ी बहन है ना, उसने डिस्कवर किया कि क्लिनिक उस वक्त बड़ा वो तो क्लिनिक का एक सोप आता था ग्रीन से, उसमें सब पुश होके उसी में रखते थे और वो फ्रिज में रखती थी कि मतलब ठंडा रहे, मेल्ट ना. तो मैंने एक दिन उसका इस्तेमाल किया तो उसने कहा अच्छा मेरा ना इस्तेमाल करो. हम छोटे छोटे थे और हाँ. तब आपको पता है नई नई ये चीजें आ रही थी. अब वो आना बंद हो गया. तो उसने कहा मेरी स्किन का बड़ा है तो तुम व्हाई डोंट यूज माय सोप. अच्छा वो मैंने फिर अपने लिए पॉकेट मनी जमा की, मैंने मंगवाया, वो मैं यूज करना. मतलब टीनेज में यानी क्लिनिक का 8-9 साल की उम्र से यार. हां तब से, बिकॉज़ मेरी बड़ी बहन, मैंने ये पहला बंदा देखा है कि जो 8-9 साल की उम्र से, क्योंकि वो बड़ी बहनों का भी एक असर होता है कि वो क्या कर रही है, वो व्हाटएवर. एंड शी नोज मेरी बड़ी बहन के बाल अभी बाबी डॉल ऐसे ही है, उसके बाल देयर लाइक बाबी, खूबसूरत, उसे संभाले नहीं जाते, माशाल्लाह इतने खूबसूरत है वो. अच्छा फिर अम्मी ने प्लास्टिक के जो व्यायाम होते ना, हम सब गर्ल्स के बाथरूम में रखे हुए थे, उसमें होता था बेसन और एक कॉली होती थी, इतना सा दूध लेके बेसन में डाला, क्या बात है, शी यूज्ड टू से उसकी पेस्ट बना के मुंह पे लगाओ, मुंह पे लगा के पहले नहाओ, नहा धो के जब नहा लिया सिंक पे वापस आके आपने हल्का सा पानी लिया. अब भी क्या बात है, क्या बात है, मेरी पेट में भी करती है. बेसन और दूध, बेसन एंड दूध, क्या बात, बेसन एंड दूध. अच्छा या कभी घर में घर की मलाई होती थी, अब नहीं होता वो कॉन्सेप्ट, बट दूध अभी भी मैं, मेरी बेटियां भी करती है, जारा भी करती है, तानिया भी करती है, दे हैव टू डू इट. आई नो. अच्छा वो पेस्ट बना के, अच्छा जब तक आपने किया वो मास्क की तरह ना ड्राई हो गया, ओके हो जाता, फिर आपने हल्का सा पानी लेके उसको लगाया तो वो फिर गीला हो गया बिकॉज उसमें दूध है. फिर आपने उसको हल्का सा स्क्रबिंग किया, निदा स्किन ऐसी निकलती है, इट पिंक ग्लो, नो डाउट, अनइमेजिनेबल. और देसी मॉइस्चर, उसके बाद आपने कोई टोनर कुछ नहीं करना, स्ट्रेट अवे अपना थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेके, वो अभी बेसन एंड दूध, दो इंग्रेडिएंट, और आपने आपके बाथरूम में रखा हो ना, कि आपको याद है. मैं एक साइकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है जिंदगी में, एनी टाइम आपकी रीच में कोई चीज ना हो ना, आप नहीं लगाते, चाहे महंगी से महंगी. पानी भी अगर आपकी, एक दफा मैंने किसी को कहा, मैं सालों की बात है, पानी बहुत कम पीती हूँ, उन्होंने कहा तो उसमें क्या डिफिकल्ट है. मैंने कहा भाई है भाई, मैं नहीं पीती, आई वॉन्ट टू ड्रिंक मोर वाटर. हर जगह जहाँ घर में बैठती हो पानी रख. आप सोचें मेरी गाड़ी, मेरे बेड साइड टेबल, मेरे सोफा साइड टेबल, माई बाथरूम काउंटर, मेरे बच्चों के काउंटर्स, मेरे हर जगह रीच में कर, मैं जहाँ जाती हूँ पानी की बोतल, अच्छी बात, जारा की चीजें सेट करने ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ. नताशा कंटिन्यू करेंगे, बहुत अच्छी बात आपने की कि आपकी जो चीज रीच में है बिल्कुल बिल्कुल उसके आप आदी. ये चीज क्योंकि पानी पीती है, ये चीज मैं सिर्फ बता रही हूँ, लाइक शी सेड आई एम नॉट रिकमेंडिंग, आई एम रिकमेंडिंग कि आप अपनी रीच में ले आए. एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. हाँ जी, हमारे फोटो सेशन भी चल रहे हैं ब्रेक के दौरान जी. सेल्फियाँ ये ज़रूरी है. अच्छा हम नाटी जो है वो अपनी स्किन केयर रूटीन जो है वो हमसे शेयर कर रही थी. तो मैं आपको ये कह रही थी, यहीं से बात शुरू करते हैं कि मैं रेकमेंड करती हूँ सबको कि जो भी आपने करना है, पानी पीना है, स्किन के लिए कुछ करना है, कोई मास्क लगाना है, जस्ट कीप इट राइट नेक्स्ट टू यू, आपके सामने आपकी रीच में होना चाहिए, ठीक है. तो वो मैं आपको बता रही थी कि वो मैं मास्क तब से करती थी. तो इस तरह की चीजों का मुझे बचपन से शौक था.
फिर मेरी शादी एक ऐसे बंदे से हो गई जिसको भी शौक था। और ज्यादा शौक था कि ये करो वो करो, नॉट सो मच हेयर, उसको उतना पता नहीं है, बट स्किन का उस वो मुझे बहुत हेल्प करता है। अच्छा, अब एज के लिहाज से आप प्रोडक्ट्स यूज करते ना, आपने लैंकोम से स्टार्ट किया बिकॉज यूर इन योर ट्वेंटीज, फिर आप लाप्रेरी पे आए, फिर आप आगे थोड़ा सा गए, व्हाटएवर, कुछ होते नहीं आपको सूट करते, पड़े रह जाते हैं, आपने किसी को दे दिए, व्हाटएवर, और कुछ वैसे लैंकोम भी और ला प्रेरे भी, उससे अच्छी कोई प्रोडक्ट नहीं है। अमेजिंग, ला अच्छी एक और प्रोडक्ट है जो मैं ये लैंकोम की, ये भी बेस्ट है, मैंने बताना भूल गई थी। ये क्या है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। हाँ, तो आप अब आप क्या यूज करती हैं? अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता, अब मैंने ला प्रेरी भी करके देख लिया, लैंकोम भी करके देख लिया, अब लोगों ने कहा कि एक प्रोडक्ट के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे रीडिंग का भी बहुत शौक है। अच्छा, एंड मैंने उसके बारे में जब पहले लोगों ने कहा, मैंने कहा नहीं, मैं पहले पढ़ूँ ये किसने निकाला, क्यों निकाला, क्या है, आई नीड टू नो द हिस्ट्री, फिर मैंने वो स्टार्ट किया। लोगों ने उसमें लिखा था कि आफ्टर यू टर्न 40 यू यूज इट। आई स्टार्टेड यूजिंग इट व्हेन आई वाज 29। ओह, अच्छा, मैंने कहा साइकोलॉजी मेरी ये कहती है कि ये प्री एजिंग करना चाहिए, ये क्या बात हुई कि 40 तक आके लाइने वाइने पड़ गई तो आपने तब फिर इस्तेमाल करना शुरू करा। हाँ, उस वक्त मैंने ये अपने कुछ इंडस्ट्री में लोग हैं जिनको सजेस्ट किया, जिनके पास मैंने लैंकोम देखी, तो मैंने कहा बहन पैसे क्यों बनाते हो बनाते हो तो अपने ऊपर खर्चो भी, बिकॉज आप लोग ये चीज़ याद रखें कि स्किन और बालों से महंगी चीज कुछ नहीं होती, कुछ नहीं है, यू कैन बाय एनीथिंग इन द मार्केट। मैं यही उन औरतों को कहती हूँ जो सस्ते पार्लर में जाके अपने बाल खराब कर दिन बर्बाद, पता है क्या, आप हर चीज जो है ना खरीद सकते हैं मार्केट से, आप स्किन और बाल नहीं। अभी हम यही बात कर रहे थे निधा के, जेवर बना ले हम, ठीक है, और हम अच्छे ही नहीं लग रहे उसको पहन के, हम किसको, अब यहाँ यहाँ तक हमने गोल्ड पहना हो या चार हार डाले हुए और स्किन सैक कर रही है, मुंह पे बेचारी हमारी खावती मेजोरिटी करती ऐसे ही है। जी जी जी, जमा करके कि नहीं नहीं, अच्छी अच्छी लोगों के घरों में और लॉजिक नहीं करते अपनी स्किन की राइट। हमारे मिडिल क्लास की एक लॉजिक ये भी होती है कि नहीं नहीं, मैं तो जेवर इसलिए बनाती हूँ बच्चों के काम आएगा ना, इस अपनी बहू को डाल दूँ बिल्कुल बेटी के लिए, अभी तो मैं यूज कर रही हूँ, मैं इनके लिए कर रही हूँ। आलिया जो अफोर्ड कर भी सकते हैं ना, मैं उन लोगों को भी जानती हूँ, वो भी नहीं करते हैं। तो मेरे पास तो सोने की एक अंगूठी नहीं है, मेरे पास सोने की एक चेन नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं बनाया, मैं अपने बस जो बनाती हूँ अपने आउटलुक ही बनाती हूँ। तो और क्या भाई, हम मर जाएंगे बच्चों के लिए, और क्या जो है वो आप करें भाई अपने, बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़े। अच्छा, तो अब मैं हम स्किन की बात कर रहे थे, आई कीप इट सिंपल। क्लेंजर्स जो है ना, मैं अपने चेंज करती रहती हूँ, लेकिन मेरा एक खास, आप यू वॉन्ट बिलीव इट, पॉन्ड्स का एक ग्रीन मोटी सी बोतल आती है, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट, पॉन्ड्स, बट इट्स इम्पोर्टेड, थोड़ी महंगी है बट इतनी बड़ी है तो इट गोज अ लॉन्ग वे। उसके ऊपर लिखा हुआ है नॉट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, क्लेंजिंग क्रीम, ओके, देयर इज नथिंग लाइक इट। अच्छा, आप उसको हाथ में लें, ब्रेक करें, आफ्टर यू रिमूव्ड योर आई मेकअप, लॉरियल के आपने ऑयल बेस से कर लिया, आई मेकअप जो है वो हमेशा ऑयल बेस्ड चीजों से करना चाहिए, अदरवाइज आपकी यहाँ पे भी लाइनें पड़ती हैं और यहाँ पे भी पड़ती हैं। सो यू कैन नॉट यूज समथिंग, मैंने करके देखा हुआ, मैंने लिटरली इतने महंगे प्रोडक्ट्स को साइड पे किया हुआ, लाइक कमर्शियल नहीं वो करते ऐसे साइड पे कर दो, ये मत यूज करो। ऑयल बेस्ड, जो ऑयल बेस्ड का मतलब जो मेरा लॉरियल का ब्लू वाला है, really sorry, नहीं, ये तो नहीं है, नहीं, it's not, it's a चौरी बोतल, अभी आप तो ये आप आंखों से इसका मिल, आंखों से। अच्छा, मुझे ऑयल बेस्ड एक बहुत हसीन औरत ने, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया था, उनकी स्किन बड़ी प्यारी है, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम अपना सारे मुंह का मेकअप आई मेकअप रिमूवर से हटाओ। आई मेकअप रिमूवर हमेशा बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन उसकी मुझे बात दिमाग में रह गई, क्योंकि जो आई मेकअप रिमूवर है वो आपका ऐसा बना होता है कि आपकी आंखें बहुत सेंसिटिव होती है, तो अगर आप पूरे चेहरे को आई मेकअप रिमूवर से हटाते हैं तो आपका चेहरा भी उतना ही अच्छा। बट ऑयल बेस, और ऑयल बेस का ये होता है कि जब आप उसको इस तरह रखेंगे ना टेबल पे, ऑयल नीचे और कलर ऊपर, तो उससे आपको पता है कि दिस इज गुड ऑयल बेस, वो आपने कर लिया, बहुत अच्छा बताया।
सो अच्छा वो इट्स अ नेसेसिटी. लॉरियल के बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे. गार्नियर का मैंने एक दफा ट्राई किया. आई ट्राई दिस पॉन्ड्स वन. ये पॉन्ड्स का कह रही हो ना तुम? नहीं, पॉन्ड्स तो क्रीम है ना. नहीं ये तो अच्छा, मगर वो कह रही है क्रीम से भी करती है ना. नहीं, पहले आप आई मेकअप रिमूव करेंगे. अच्छा ठीक है, विद द लॉरियल का ऑयल बेस्ड आई मेकअप रिमूवर. ठीक है, उसके बाद आप आई पॉन्ड्स का उसका ग्रीन ढकना होता है, ग्रीन सा व्हाइट एंड ग्रीन टैग होता है, उसको लिखा हुआ है क्लेंजिंग क्रीम. अच्छा, जब आई मेकअप उतर गया थोड़ा सा रेजिड्यू रह गया, आपने पूरी क्रीम यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लगा ली, बिकॉज मेकअप होता है यहाँ तक. ठीक है, और उसको आपने मसाज कर लिया. ठीक है, क्रीम का मसाज. उसके बाद आपने अपने कॉटन राउंड्स लिए. आई बाय पर्टिकुलर कॉटन राउंड. ठीक है, आई डोंट बिलीव इन दीज वेट वाइप्स. हाँ, मुझे भी सूट नहीं करते. आई डोंट यूज इट, आई डोंट रेकमेंड करते, बट तानिया माय डॉटर यूजेस देम. मैंने उसको मना कर दिया. डोंट यूज इन. मैं बच्चों के नैपकिन के लिए भी मना करती हूं, जो यूज करते हैं ना बच्चों को पैम्पर टाइम पे. नॉट रिमूव मेकअप, नेवर यूज दिस केमिकल वाली चीजें. बच्चों को ऐसे रैशेस पड़ते हैं. No, it doesn't remove residue. होती है कभी बच्चों के साथ ट्रैवल करना. उस टाइम पे करना ठीक है. I say उस टाइम पे ही कुछ मदर regularly. उस टाइम पे मेरे भी किया है. मगर ये नहीं कि रोज की दुकान खोली है तो बस धुलाए सबसे बेहतर. नहीं नहीं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही. मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है उनसे प्रॉपर मेकअप उतरता नहीं. और दूसरा इसका जो टेक्सचर है ना वो बुढ़ापा है. सिंपल, आप रगड़ो नहीं, आप की तरह जलन नहीं. जो कॉटन राउंड है ना उनको आपने ले लिया, एक एक हाथ में गीला किया, उसके बाद आप प्रॉपरली उसको रिमूव. ये अच्छा बताया कि लोग गीला नहीं करते. अच्छा, आप मैं आ रही हूँ, इरिटेटिंग क्यों है रूटीन. घिसे नहीं, आँख के ऊपर खास कर नहीं. जब आप गीला करके उसको ऐसे नचोड़ लेंगे और फिर उसको कॉटन राउंड से करेंगे, कुछ नहीं होगा. नहीं यूज करना चाहिए. पता है ये इतनी अच्छी बातें बता रही है. लोग ना कॉटन राउंड कोई भी क्लिंजर. लाइने अलहदा पड़ती है और आप देखना एंड में जलन होती है आँखों के नीचे. जलन उसके मसाज किया, दो मिनट इधर उधर घूमे नहाने से पहले, और फिर वही कॉटन राउंड लिए, उनको गीला किया, नचोड़ा. सेम रूटीन, इट्स लाइक OCD. ओके, और फिर आपने उसको रिमूव. अच्छा, निदा ये करती है चेहरे को मसाज रोज रात को. ठीक है, अब जब मसाज करती है आप देखो उसके चेहरे पे ना कोई ऐसा इसके कोई सर्जिकल कोई कहानी नहीं हुई है चेहरे पे. देख के पता चल जाता है इसके चेहरे की लाइनें. इसके चेहरे में जो चेहरा है वो चेहरा वही है इसका, क्योंकि ये मसाज करती है. और देखा जाए तो उसकी मसाज की वजह से. मैंने जिंदगी में एक फेशियल कराया था, हाइड्रोडर्मी, जिसमें वो सिर्फ आंखें और नाक के नॉस्ट्रल्स और मुंह नजर आता है ना, वो ऐसे करके कर. एंड आई वाज क्लॉस्ट्रोफोबिक. और मैंने आज आई डोंट बिलीव आलिया वाली बात, जितना आप स्किन को छेड़ेंगे उतना स्किन. बट क्लेंजिंग इज नॉट छेड़ना, इट्स गुड. जैसे तुम सेट की चीजें लेने गई, ये करने गई, तुमने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, बाल भी ऊपर बन, तुम्हारी स्किन पे कितना गन गया होगा. ओढ़ ओढ़ के पोल्यूशन. इसके कॉलेजन भी फेस पे इसीलिए कि मसाज करती है. अच्छा कभी, अच्छा अब मुझे रिसेंटली किसी ने कहा पॉन्ड्स मैं नहीं छोड़ती. व्हेन आई डोंट हैव मेकअप ऑन, देन ये मैंने डिस्कवर किया ब्यूटिफुल जैनसन क्रीम क्लेंजर. इज लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट में. अच्छा इसमें ये आप कर सकते हैं, लेकिन क्या चीज है? क्लेंजर. इसका क्लेंजर है, क्रीम क्लेंजर. अच्छा, जब आपके मुंह पे मेकअप ना हो. ठीक है, बिकॉज मेकअप पॉन्ड्स के अलावा मैं मेकअप नहीं उतार सकती. ओके, बट व्हेन आई डोंट हैव मेकअप वो तब आप ये यूज करें. ठीक है, सेम आपने पुश इसका वो है सिस्टम लॉक हो जाता है. ये क्या वो है, फेस वॉश है या क्रीम? इट्स क्रीम. अच्छा, पाम क्रीम. इट्स जस्ट मिल्क क्रीम, राइट? उसको किया, वो लगाया, बट ट्वाइस अ वीक ओनली आपने जैनसन का स्क्रब उसमें स्क्वीज कर दिया. आई लव दिस यार. ओके, जैनसन का ट्वाइस स्क्रब आपने रोज नहीं करना. रोज नहीं करना, नॉट डोंट डू इट एवरी डे. I'm a teacher today. Anyways, आपने twice a week ये कर लिया, स्क्रब डाल लिया, अब आपने उसको करके क्लेंस कर लिया, एंड उसके बाद पानी से प्रॉपर मुंह धो लिया. मेक श्योर कहीं रह नहीं गया इधर ये वो. अच्छा, आप स्क्रब जो हो वो क्लेंजर के अंदर डालती हो? हाँ, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि क्रीम के अंदर मिक्स करने से वो एकदम से खराब. उसके बाद आपने जैनसन का, यार ये बहुत अच्छा है, मास्क लगा लिया, व्हिच इज द मोस्ट. इससे अच्छा नहीं है कोई. मॉइस्चराइजिंग मेकअप करना है कितने दिन? ये आप कर ले वंस अ वीक.
वंस अ वीक इज गुड. अच्छा नाउ दिस, ये क्या किस तरह का होता है पाउडर? अच्छा इसको आपने उसी तरह कॉली में पानी डाल के उसको पेस्ट बनाना है. ठीक है, थोड़ा मुश्किल इसलिए कि उसको जरा जल्दी जल्दी करना पड़ता है. ड्राइज फास्ट, तो ये नहीं कि बना के वो जी मैं जरा ड्रामा देख के आती हूँ. नो, आपने उसी वक्त इसको अप्लाई करना है पूरे स्किन पे. ओके, आफ्टर 10 to 12 minutes इट्स गोइंग टू ड्राई एंड लीव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर ऑन योर. यार बहुत अच्छा है. अच्छा, अब आपने मॉइस्चर यूज कर लिया. मॉइस्चर के बाद यू जस्ट गो यहाँ से थोड़ा सा उसको, अगर आवाम भी अभी देख रही है, इस तरह किया and then you just ऐसे करके निकाल के exactly it peels off like a, जैसे कागज का निकाला मैंने लगती और मैंने ऐसे किया होता पेपर फाड़ लिया literally जैसे आप बनाना पील करते हो पील exactly वो निकल गया. निकाल के फेंका गीला गीला मुंह मॉइस्चर पे. put your moisturizing cream, no toner. कौन सी मॉइस्चराइजिंग? मैं अभी दिखाऊंगी, but no toner. time कम है ना. हाँ ठीक है. अच्छा ये क्लेंजिंग हो गई. ये जल्दी से बता दूं, आई डिस्कवर्ड बीट्स का ये मेरा फेशियल वॉश है. इट्स अ इट्स द बेस्ट फेस वॉशिंग. अंदर से भी दिखा दो जल्दी. मैं डेट, हाँ टाइम नहीं ना, फिर फिजा के ऊपर आऊंगी. अच्छा वो फिजा को आज बोलने का टाइम ना है क्योंकि वो सब में बोल रही है ऑलरेडी. मैं खोल के दिखा दूं. उसने अपनी जगह बना ली, अपनी जगह बनाई. आप भी आप लोग देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे बीट्स हैं. अच्छा ठीक है. इट्स एवरी डे यू शुड यूज इट. ये फेस वॉश 2 to 3 minutes आपने इसको रब करना है और पानी हर जगह से, और आपने पानी से धो देना है. सो यू आर डन विद इट राइट. अच्छा फिर अब मैं आ जाऊँ मेन चीज पे. ये सब क्लेंजिंग हो गई. उसके बाद जिस दिन आपने टोनर करना है, ओनली सी मिनरल्स का बना हुआ लमेर, इट्स कॉल्ड क्रेम डे लमेर. देयर इज नथिंग बेटर इन द मार्केट देन दिस टुडे. टोनर, टोनर. अच्छा टोनर तुम रोज लगाते हो मेकअप उतारने के बाद? दिस इज स्टोन वाटर टोनर. अब टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको हिस्ट्री भी बता देती. साइंटिस्ट जिसने ये निकाला है, क्रेम डे लमेर इज द मोस्ट, पड़ती है चीजों को, ये बड़ी बात है ना, एक्सपेंसिव. Like, but like I said, आप स्किन और आप हम कमाते हैं तो खर्चा तो है अपने ऊपर. बेस्ट टोनर टू यूज. और जब आपने क्लेंजिंग की, मेकअप उतारा, यू हैव टू यूज दिस टोनर. टोनर करने के बाद द बेस्ट आई क्रीम एंड द बेस्ट क्रेम डे लमेर मॉइस्चराइजिंग. अगेन द सेम ब्रांड राइट? कौन सी ब्रांड है? क्रेम डे लमेर. ओह, और ये मिल जाते लाहौर? और नहीं, ये कहाँ से लाते हो? ओनली अब्रॉड, दुबई, London, US, anywhere they've got counters. But और online भी नहीं आता. Oil for oily, online नहीं मिलता है. नहीं ये oily skin के लिए. It's for dry skin and you can use it. इसमें एक आती है soft cream. That's for oily skin. Okay. और ये eye cream है ये. इसकी eye cream भी है. Exact. मैं इसलिए दूसरा नहीं लाई because exact same jar. Green रंग की है. उसको अच्छा इसका लगाने का तरीका होता है. आपने ले लिया, इसको break किया इन दो फिंगर्स के साथ आई क्रीम को और लगा लिया. नॉट सिर्फ नीचे, ऊपर भी, ऊपर ऊपर पूरा लगा के उसके बाद आपने इस क्रीम को लिया, ब्रेक किया हाथ पे. ब्रेक करके वो थोड़ा आपके हाथ में करते करते ना हल्का सा ऑयली बन जाएगा. यू जस्ट पैट इट ऑल्सो अंडर द आईज, आई क्रीम के ऊपर. आई क्रीम इट्स फॉलोड बाय द आई क्रीम. ओके, उसके ऊपर लगा के एंड लीव योर स्किन ग्लोइंग, shiny, hydrating, nutrients. और ये रोज आप लगा, it's made of sea minerals. अगर आप लोग कभी ये लें तो इसके जो इसके बारे में पढ़े, it's by a scientist called Max Huber. He was not a product maker. अच्छा, he was a scientist. सारी बातें नहीं समझाएंगे मेरे पब्लिक को. अच्छा, anyway, so the best moisturizing cream ever. ठीक है, सीधी सारी बातें. बालों का जल्दी से बता देती हूँ. हाँ, मुझे जो I am a big person on oiling. अच्छा, मैं आयुर्वेदिक तेल इस्तेमाल करती हूँ. ठीक है, मैं अपना ये जिस तरह होममेड बना के रखती है, मैंने भी एक रेसिपी निकाली हुई है, उसमें कैस्ट्रॉल भी होता है, उसमें कलौंजी भी होता है, वो बना के बादाम रोगन भी होता है. ऑयल के बगैर मैं बाल नहीं धोती. अच्छा, आई विल नेवर, इवन इफ इट्स फॉर 20 minutes, मैं ऑयल के बगैर मेरे बालों को पानी नहीं लगेगा. आई एम बिग ऑन ऑयल, आई लव ऑयलिंग. उसके बाद आपने निकाला और मेरा जो है स्कैल्प ड्राई, तो मेरे तो हफ्ता हफ्ता भी बाल ना धो तो ठीक है, बट मैं धो लेती हूँ. बट आई डोंट, माय हेयर डजंट गो बैड. मैं कहती हूँ लकी है, जबरदस्त कि ऑयल भी करती है. ये हो गई नताशा की रूटीन. हाँ, एंड देन ऑब्वियसली निसम इज अ वेरी गुड शैम्पू एंड कंडीशनर. इट्स कॉल्ड न्यू हेयर बायो फैक्टर्स. ये कहाँ से मिलेगा? इट्स हेयर क्लब.
अच्छा अच्छा ओनली हेयर क्लब या ओनली हेयर क्लब इन लाहौर नोबडी मार्केट डजंट हैव दैट इट्स द बेस्ट थिंग इट्स आल्सो एक्सपेंसिव या नॉमिनल प्राइस में इट्स अ बिट एक्सपेंसिव अच्छा बट इट गो इट्स गुड अच्छी है एंड देन बोनाक्यो इज वेरी गुड फॉर द स्कैल्प इट्स कॉल्ड स्कैल्प जेनेसिस बेस्ट शैम्पूज ऑफ बीसी इट्स कॉल्ड बीसी बोनाक्यो best shampoos best everything inki cheez I am not good on I am not very big on hair mask I like hair conditioners like coconut hair conditioner bahut acha hota hai thoda sa lagaya khushboo bhi achhi very little ends pe laga ke but take the same fingers through your thing and use it chalo fizaa tumhari taraf aate hain main apni dukaan piche leke ja rahi hu kyunki meri cheeze kuch zara medicated hai aur samajhne wali hai theek acha ara gira diya dukaan khul gayi चल भाई फिजा बस पे टाइम नहीं होता ना फिजा की भी स्किन हमेशा से अच्छी रही है और तुम फिर ख्याल भी करती हो मेंटेन भी करती हो तो तुम्हारी भी जरूरी है ये सारी चीजें मैं फराल पे भी इस्तेमाल करती होती हूँ मोस्टली ठीक है अच्छा मैं क्या क्या करती हूँ वो सब कुछ नहीं मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ मैं सिंपल वालों का फेस वॉश यूज करती हूँ उसके अंदर कुछ भी नहीं है खुशबू फोकस करने और ये बहुत अच्छा फेस वॉश है सिंपल वालों के इनके प्रोडक्ट अच्छे हैं इनकी मॉइस्चराइजर क्रीम अवेलेबल है पाकिस्तान में अवेलेबल है ऑनलाइन भी मिल जाता है फेस वॉश है और अगर किसी को ना मिले इंस्टा पे इनका पेज है वहाँ से भी मिल जाएगा ये 595 का होता है नहीं यार कसम से ठीक है बहुत अच्छा होता है अच्छा उसके बाद अगर मैं दिन में निकलती हूँ तो फिर मैं ये बॉडी शॉप की ड्रॉप ऑफ लाइट बड़ी अच्छी इनकी बॉडी शॉप की क्रीम है मैं गोरी गोरी लगती हूँ ऐसा लगता है मैंने बेस लगाई हुई है और उसके ऊपर मैं टेंट लगा लाइट जो तेरे पास भी थी बॉडी शॉप नहीं इसके पास वो नहीं है इसके पास वो नहीं है ये क्या है ये मॉइस्चराइजिंग ये मॉइस्चराइजिंग भी नहीं है डे क्रीम है बस आपको बचा लेती है हर चीज से हाँ मगर मैं इसको लगाने से पहले मैं ये ओबीडी वालों का सनब्लॉक है जो आपकी स्किन को थोड़ा सा स्मूथ करता है और इनसे अच्छा सनब्लॉक मैंने आज तक नहीं देखा ये ओबीडी से ही मिलेगा और लाहौर में इनको फोन करके ओबीडी की क्लिनिक पे किसी को भी मंगवाया जा सकता है अब तो उन्होंने इतना बड़ा अस्पताल खोल लिया तो ये बातें मेरे ख्याल से वो सबा फैसल भी करके गई थी उनके पास प्रोडक्ट अच्छे उनकी चीजें अच्छी है तो ये उनका सनब्लॉक आई एम लव विद दिस मुझे एक्ने प्रॉब्लम जाता है मैं दिन में कभी कभी ये लगाती हूँ टी ट्री ऑयल या डायलेसिन टी इस तरह की चीज लगा ये बड़ा हाँ, ये तो बहुत अच्छी है क्योंकि मुझे मेकअप वेकअप बहुत ज्यादा करना होता है तो मैं फिर ये हफ्ते में एक बार जरूर लगाती ऐसे ही मतलब धुले हुए मुंह पे बस एक बार जरूर मुझे भी जब दाने होते थे तो मैं भी लगा लगाना चाहिए वरना बहुत गंदी स्किन हो जाती है मेकअप के बाद तो और ये लगा के दानों में ना इचिंग नहीं होती नहीं और सस्ती सी दुकान है हर लड़की इसमें वो चीज बताऊंगी जो हर लड़की इस्तेमाल कर सकती है और हर लड़की अपने चेहरे पे अप्लाई करेगी तो उसको ब्रेक के बाद वापस आके हमारी सारी प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे ठीक है छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान फिजा की क्या स्किन रूटीन है वो शेयर करेगी एक छोटे से वक्फे के बाद गुड मॉर्निंग वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अभी हमारे पास ये जो हसीनाएं हैं इन्होंने अपनी ब्यूटी रूटीन आपसे शेयर की और सबको अपने अपने हिसाब से जो चीज समझ आई उन्होंने बताया क्योंकि ये चारों कोई ब्यूटी एक्सपर्ट्स नहीं है जो ये चीज़ें अपने ऊपर यूज़ करती हैं इन्होंने शो में वही आपको बताया कि इन्हें ये सूट करता है अब आप देख लें फिजा हमें बता रही थी वो चीज़ें जो पाकिस्तान में अवेलेबल भी हैं और शायद वो हर किसी की पॉकेट पे आराम से लाइक वो अफोर्ड भी कर आराम से मिल जाएगा सबको अच्छा ये स्विस इमेज वालों का बड़ा अच्छा फेस का हम अभी कहाँ तक हम रिपीट करते हैं ना एक मिनट सबसे पहले तुमने फेस वॉश से शुरू किया सिंपल का फिर तुम गई ड्रॉप्स पे ड्रॉप्स ऑफ लाइट डे क्रीम और इनको हमने पहले सनब्लॉक लगाया कोई सा भी अच्छा जबकि वो भी कंप्लीट सनब्लॉक है डे क्रीम के अंदर ऑलरेडी सनब्लॉक होता है हाँ। मगर उसको ये जो बॉडी शॉप की है ना इसको लगाने के बाद बेस की जरूरत नहीं पड़ती बड़ा पिंक टोन हाँ। आता है बड़ा अच्छा लगता है अच्छा तो उसके बाद अगर बहुत ज्यादा स्किन आपको कभी ड्राई लग रही है अपनी और बहुत ज्यादा पैकी स्किन लग रही है तो स्विस इमेज वालों का बस ये क्रीम वाला मास्क है तो इससे बड़ा ग्लो व्हाइटनिंग फेस पे ना इफेक्ट आ जाता है और ये मुंह को टाइट नहीं करता ड्राई नहीं करता मतलब एकदम से पहले आपको बुढ़ापे मास्क फील नहीं देता तुम कब लगाती हो हफ्ते ये वैसे मैं ज्यादा लगाती हूँ ये मैं हर दो दिन के बाद भी लगा लेती हूँ क्योंकि बिल्कुल क्रीम फॉर्म में बल्कि आपके हाइड्रेट भी कर देता है क्रीम कर देता है आपके चेहरे को ना क्रीमी ग्रीसी 10 मिनट बस हाँ क्योंकि सूखता ही नहीं है ना बस क्रीम की तरह छोड़ दिया और पूरी नाइट ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं इसको तो ये वो वाला मास्क है अच्छा है अच्छा उसके अलावा अगर मुझे थोड़ा सा लगता है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन खराब हो रहा है बहुत बेसिक टैन हो रहा है हाँ, क्योंकि हमारी कभी बहुत ड्राई हो जाती है कभी नॉर्मल हो जाती है और कभी मेरी नाक पे तेल का वो जो है ना पूरा पकौड़ा तला जा सकता है इतना प्रॉब्लम होता है तो मैं ये क्लियरेंस वालों के प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे मगर उनकी ये क्रीम वन ऑफ द बेस्ट लगे ये भी वाइट प्लस है
और व्हाइट प्लस इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा रंग निखरा निखरा अच्छा लगता है, तो ये व्हाइट प्लस की चीजें अच्छी होती है इनकी। इसके अंदर में कभी कभी वो जो ग्लूटा व्हाइट जो ग्लूथॉन की जो कैप्सूल्स होती है वो तोड़ के मैं ग्लूटाथियन ग्लूटाथियन की कर ले, ग्लोरा व्हाइट्स होती है और बहुत सारी ऐसी आती है जो व्हाइटनिंग कैप्सूल्स होती है उसका काट के पाउडर निकाल के तो उसके अंदर मिक्स करके वो भी लगा लेती है इसके अंदर ही। हाँ वो फिर सुबह एकदम से ऐसा लगता है कि पता नहीं मुंह को जो है ना आप पता नहीं फ्रेश क्या करके आए। हाँ वो बड़ा इफेक्टिव है मगर महंगी गोलियां होती है तो इसलिए शायद लोग कितनी महंगी होती होंगी जैसे उसकी पूरी एक कैप्सूल की आती है वहां से 5,000 की और वो पूरा वो खाने की होती है खाने की भी होती है मैं कभी कभी खा भी लेती हूँ। अच्छा तो मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए क्योंकि अच्छा। वो इंजेक्शन वाली चीज है तो मैंने नहीं लगवाई व्हाइटनिंग की मगर ये व्हाइटनिंग की कैप्सूल्स मैंने खाई है। बल्कि ग्लूटाथियन जो है वो सिर्फ स्किन के लिए नहीं बोन्स के लिए बहुत अच्छा है मुझे बहुत फर्क पड़ा आपकी हड्डियों के लिए बड़ा विटामिन इट्स अ विटामिन एग्जैक्टली मैंने आपकी एनर्जी आपको एनर्जी देता है मगर इधर कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि मैंने भी खाई है बट वो ऐसा लगता है यहाँ पे फंसी और भारी भारी लगता खाने है के दौरान खाना और कभी कभी एसिडिटी करने लगता उसका तरीका मैं बताती हूँ जब तुम खाना खा रही हो उसके बीच में खा लो वही कह रही हूँ मैं खाने के दौरान लेकिन कभी कभार किसी को हजम करना। अच्छा और दूसरा मैं आपको मसला एक और बताती हूँ इसके साथ पानी की इनटेक बहुत लेनी पड़ती है लोग कहते हैं ना ये कैप्सूल्स खानी है नहीं अगर आपने इस तरह की कोई कैप्सूल्स खानी है आपने पानी की इनटेक ज्यादा लेनी है उसको एटलीस्ट 1.5 गिलास पानी से पेट से हलक से नीचे उतारना है मतलब वो सही आप अच्छा है ना अंदर पानी भी चला पानी भी चला वैसे ही अच्छा आप जैसे कभी बहुत ज्यादा फील होता है ना कि यार आपके जो ही बात हो रही थी कि पहले से शुरू कर देना चाहिए एंटी एजिंग वाली क्रीम्स वगैरह सारी चीजें ये मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। ये यूथ पोशन क्रीम है ये पहले मार्केट में आना बंद हो गई थी मगर अब अवेलेबल हो जाती है ऑनलाइन। पोशन क्रीम किस ब्रांड की है ये ब्रांड नहीं होता ऑनलाइन मिल जाती है बस इसको यही ऐसे यूथ पोशन करके नेट अच्छा। पे गूगल करना पड़ता है तो उसके वो पूरे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तस्वीर देखेंगे तो पता चल जाएगा यही ये देखिए इस तरह यूं बटरफ्लाई बनी हुई और ये एंटी एजिंग है ये है ही उसके लिए तो इसका पड़ा करती है। मेरी गर्दन में इतनी लाइंस थी मैं डॉक्टरों के पास जाके कहती थी मुझे यहाँ पे इंजेक्शन लगा दे यू सी तो वो कोई मुझे नहीं लगा देता मेरी स्किन पतली है तो मैं डॉक्टर हारून नबी के पास भी जाती थी वो वाहिद ऐसे डॉक्टर हैं कि आपको जबरदस्ती का क्लाइंट नहीं बनाते। अच्छा लाहौर में मैं कहती हूँ जिनके पास हारून नबी है तो वो उनके पास मैं कहती हूँ मतलब उनका गॉड फादर है हसीनाओं का गॉड फादर इज ओनली हारून नबी। अच्छा वो पैसों की दुकान नहीं है वो लूटते नहीं है हाँ वो आपको फजूल तो में मना कर दिया था कि इंजेक्शन नहीं उन्होंने कहा इंजेक्शन नहीं उन्होंने कहा आप एंटी एजिंग क्रीम्स आती है मार्केट में खुद पता है तो खुद कर लो वरना मैं रेकमेंड कर दूंगा उन्होंने 2-3 मुझे की थी वो भी मैंने लगाई और ये भी मुझे इतना फर्क आया इधर वरना गर्दन की लाइनों पे हाँ गाड़ी गाड़ी लाइन है बचपन से फराल के भी है ये जीन्स में होती है जीन्स में होती है हम शायद पता नहीं गलत तरीके से सोचते होता है लेकिन जैसे मुझे प्रॉब्लम होती है तो मुझे जीन्स में मैं जीन्स में मेरी खाला है मेरी अम्मी सब की जो मेरी बहनों की हमारी गहरी लाइन हाँ अच्छा ये ग्लूटोन सी जो है बड़ी वाइटनिंग क्रीम है मेरे हाथ बहुत काले हो गए थे मेरा मुंह बहुत काला हो गया था जब मैं इस तरह से ट्रैवलिंग के लिए जाती हूँ ना टैन हो जाती है मैं नॉर्दर्न एरियाज जाती हूँ तो मुंह ऐसा हो जाता है कि उसके बाद तो आप अपनी शक्ल देख के कहते हैं नहीं भाई ये तो मेरे घर में पहचान के ये क्या ये सारी चीजें मेडिकेटेड भी बता रही हूँ अब मैं जो बताना शुरू सारी मेडिकेटेड नहीं तो ये जो ये किस लिए ये मेडिकेटेड है ये लगा के इसको आप हल्की सी विटामिन ई कैप्सूल्स के साथ क्योंकि कभी जब आपका टैन हो जाता है फेस तो आपकी चेहरे में ड्राइनेस होती है तो ज्यादा टैन और होता है तो लोगों को समझ नहीं आता बस लोग ये कहते हैं कि टैन हो गया तो बस अब कोई भी गोरा करने वाली क्रीम लगा लो नहीं उसके अंदर अगर मॉइस्चर वाली कोई क्रीम या कोई ऐसी कैप्सूल्स या ऑयल्स ऐसे अगर बहुत सारी दफा टैन आपकी ड्राइनेस की वजह से तो क्रीम तो ऐसे तो क्रीम तो मिल जाती है मगर उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज करके लगाना बहुत जरूरी होता है तो इससे पहले इसको लगाने से पहले ये नाइट में भी यूज करती हूँ मैं डे में भी यूज करती हूँ इफ आई एम होम तो मैं क्या करती हूँ कि घर पे पहले जो बादाम का तेल है वो मैंने वो दुकान में जाके सही बादाम खरीद के निकलवाया हुआ है तो बादाम का तेल पे जो निकल कोलू का बेल बन के निकलवाना पड़ता है बड़ा मुश्किल होता है खड़े रहो नहीं देखो कितने बादाम गए कितना निकला फिर इतने बादाम दो उतना सा निकलता है तो वो कड़वा होता है उसकी खुशबू भी कड़वी होती है मगर वही खालिस होता है उसको क्या करना होता है पहले गर्म करना होता है लोग ऐसे ही डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं वैसे नहीं हाँ तो सही हीट से गर्म करके पहले उसको हल्का से जैसे बॉइल वाला सिस्टम होता है ना उसको पकाना है जब वो थोड़ा सा पक जाए जब वो पक जाए उसको तो थोड़ी सी कोली में निकाल के ना आप उसको थोड़ा सा सौता कर दें फिर जब हाथ पे पी लें तो हल्की सौती स्टीम आनी चाहिए फिर इधर हथेली में ना ऐसे
गरम कर, इससे अच्छा कुछ नहीं है। बस इतनी, अब जितनी देर मैं कर रही हूँ उतनी देर उस तेल को करना है, और उसके बाद इतनी हीट होती है, फिर यूं 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 मसाज करके ऊपर की तरफ गर्दन, ये फिर ये करके ऐसे, फिर उसको मसाज अच्छी तरीके से करने के बाद वो जज्ब हो जाता है चेहरे पर, उसको धोना नहीं है, साफ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद फिर या तो ये क्रीम को मैं वाइटामिन ई के साथ मिक्स करके रात को लगा के सो जाती हूँ, समटाइम्स ये भी करती हूँ, समटाइम्स मैं ये करती हूँ कि मेरे पास ये सारे जो सीरम्स हैं ये इतने एक्टिव हैं, ये मेडिकेटेड है, ये रिजाज वाला का है, रिजाज वालों का ब्लेमिशिंग कंट्रोल है और क्लियर स्किन कर देता है, स्पॉटलेस कर देता है स्किन को, ये बहुत चेंज करती रहती हूँ, कभी कुछ लगाती हूँ कभी कुछ लगाती हूँ, ये मैं एक चीज़ एक रात में, मतलब अगर जिस चीज़ की मुझे प्रॉब्लम पड़ रही है हफ्ता चार दिन पाँच दिन लगा के फिर मैं दूसरी चीज़ों पे आ जाती हूँ। ये सीरम बहुत अच्छा है स्किन के लिए, मैं पहले ये सीरम लगाती हूँ अच्छा क्लीन करके, फेस को क्लिनजर करके सब कुछ करके, और उसके बाद फिर मैं इन्हीं का ये वाला अल्ट्रा नाइट सीरम है कंप्लीट पैकेज, जब ये भी रिजाज वालों का, जब वो कंप्लीट मेरे ऑनलाइन मिल जाएंगे तो जब वो क्लियर हो जाता, और मेडिकेटेड है ये मुझे सारे डॉक्टर्स ने रेकमेंड किए हैं, मतलब कुछ मुझे डॉक्टर ओबीडी ने किए हैं, कुछ मुझे डॉक्टर हारून नबी ने किए हैं, ये दो डॉक्टर्स अच्छे हैं, बट मैं डॉक्टर से पूछे बगैर कोई ऐसी नाइट क्रीम, अच्छी बात है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी रेकमेंड कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छे हैं, मेडिकेटेड तो कोई भी चीज़ अच्छी होती है, तो ये पोर्स को भी लॉक कर देता है, और दूसरा ये वाली जो नाइट सीरम है ना ये एकदम से ना बेबी बेबी फराल फराल वाला टाइप देता है कि मतलब हाँ सुबह मुँह धो तो पता चलता है कि यार इतना नरमी इतनी मजे की स्किन हो गई। अच्छा गिनो वालों का मुझे ये बहुत अच्छा लगा था नाइट क्रीम, इनकी भी हाँ ये वाइटनिंग इफेक्ट वाली है, ये एकदम से इफेक्ट नहीं करती, महीना डेढ़ महीना लगाते रहो तो लोग ये कहते हैं कि यार इतनी महंगी क्रीम ली थी तो असर नहीं किया, मगर ये तीन महीने के बाद आपकी स्किन को ना मतलब अपना आदि बना देती है, गिनो वालों की नाइट क्रीम बहुत अच्छी है। अच्छा हाँ ये भी वाइटनिंग वाली है मगर बहुत अच्छा इफेक्ट्स कर, मतलब इनका रिजल्ट बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज़ जो आजकल मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही, वो मैंने काफ़ी पढ़ाई की इस बारे में कि हमारे चेहरों पर वाइटामिन ए की कमी हो जाती है, बहुत सारे जो ब्लॉकेज हमारे क्रैक्स मुँह पर झुर्रियाँ हमारे मुँह पर जो कॉलेजन बनना ख़त्म हो जाते हैं वो डेफिशिएंसी होती है हमारे वाइटामिन ए की, तो जब हमारे चेहरे पर वाइटामिन ए की कमी नहीं होगी, हमारी ग़िज़ा में भी हमें विटामिन ए की चीज़ें लेनी चाहिए, खानी चाहिए और लगानी चाहिए, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा विटामिन ए, ये किसी देखो अब ये मुझे नहीं पता था, इतना मैंने इसके बारे में पढ़ा, बहुत मुश्किल से सूट करता है, कुछ लोगों को सूट ही नहीं करता क्योंकि जो रो ऑक्यूटेन जो टैबलेट है दाने खत्म करने के लिए उसके अंदर विटामिन ए होता है, और ये इतना अच्छा है, मतलब इसके ये जैसे एलर्जी नहीं हो जाती, मेकअप एलर्जी हो जाती है, और कभी लिखा हुआ है विटामिन ए, ये मुझे अभी डॉक्टर हारून नबी ने रेकमेंड किया कि इसको नाइट सीरम जो भी आप यूज करती हैं उसके साथ इसको मिक्स करके लगाएं, और अगर आपको ड्राइनेस तो फायदा क्या क्या होता है जैसे अगर कोई एलर्जी हो गई है फेस की वो सुबह तक ठीक हो जाती है, मैं पहले दाने हो गए वो दाने भी ठीक हो जाते हैं, ये एक्ने कंट्रोल करती है, ये कोलेजन प्रोड्यूस करती है, ये आपके हार्ड लाइन रिंकल्स जो है वो खत्म करती है, झाइयां जो लोगों को बहुत बड़ा मसला है आजकल की हर एक को झाइयों का प्रॉब्लम हो जाता है, तो झाइयां भी कंट्रोल करती है। काटू ये सारे जितने भी मैं कहना चाहूंगी बिफोर द शो एंड्स प्रोडक्ट्स की हम बात करें ना, वही आलिया वाली बात की अब कोई भी ये सारी ऊपर की चीजें बालों के लिए कर ले, जो आपने फ्रेश अपने अंदर वही मैं कहा चीजें डालनी है ना, चीज खानी है ना, खानी है। हाँ देखिए विटामिन हो गई, विटामिन ई के कैप्सूल्स हो गए, हेयर फिन डॉक्टर हारून अभी ने मुझे हेयर फिन रिकमेंड की थी, इतने 550 की, यानी कि सिर्फ ऊपर की तो कोई दवाई नहीं है, ऊपर लगाने की चीजों के अलावा विटामिन खाने भी पड़े, फ्रेश जूसेस पिए, फ्रूट्स खाएं, क्योंकि हमें खुदा से इतनी चीजें नहीं मिल रही, ख्याल करें बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी बात है अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखें, सीरियसली ये वाकई मिरेकल का काम करता है, जलता जो हम लोग जलना थोड़े होते हैं वो हमारे वो कहते हैं ना, मुझे बचपन से याद है अम्मी कहती थी कितना रो रही हो, रोती शक्ल हो जाएगी, जब हम छोटे होते थे और वो बिल्कुल सही कहते थे, बड़े कहते थे बिल्कुल शक्ल ऐसी हो जो आपके अंदर होता है ना वो आपके इवेंचुअली शक्ल पे बाहर आता है। एक एग्जांपल दूं जो रीसेंट अभी जो कोविड आया उसके बाद घर में हम लोग बंद हुए, सर्वेंट्स को हमने डोमेस्टिक सर्वेंट्स हटा दिए क्योंकि कम से कम लोगों, मैं अलमीर एंड मोहसिन, तो कुक सिर्फ आता था किचन से खाना बना के बाहर से बाहर से ट्रे बनाना गरम करके लाना दोनों की, ये मैंने काम, मैं इतना कुड़ना शुरू हो गई, मेरी घुटनों में दर्द, सीढ़ियाँ मेरी ऐसे करके स्पाइरल है, और बड़ी ट्रे उठा के लाना मुझे लगता था बस अब मैं मरने के करीब हो गई क्योंकि घुटना तो खराब हो गया, सीढ़ियाँ चढ़ उतर के इन दोनों ने मुझे पागल किया। ऑल ऑफ अ सडन मैंने सोचा मैं क्यों सड़ रही हूँ,
ये वक्त तो सब पे आया हुआ है। इतनी क्या नवाबी आई? नहीं नहीं, जो आपके अंदर मैंने होता वो खुश होके करना शुरू किया। हाँ। सीरियस बता रही हूँ, ये मैं अपनी सोच बता रही हूँ। मैंने वो काम खुश होके करना शुरू किया कि अच्छा है ना, हस्बैंड को टाइम पे टाइम खाना मिल जाएगा, अलमीर तो मांगेगा ही नहीं, उसको टाइम पे मिल जाएगा। ये करते करते बा खुदा मेरे घुटनों से दर्द भी गया मेरी। हाँ। मैं पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दी कि सोच कितना काम करती है। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपकी जो ये सारे जो हम स्किन और हेयर की बात करें, ये इट्स ऑल अनअफेक्टेड, कि बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। जब आप दिल से खुश, दिल से खुश, एग्स खाएं, चीज खाएं, ब्राउन टोस्ट खाएं, अच्छा सफेद चावल ना खाएं। तुम्हारे पॉइंट के साथ मैं 90% ओके हूँ, ठीक है, मगर 10% आपने 3 दिन दांत नहीं मांजे ना, पेस्ट नहीं लगाया, काला मंजन नहीं मला, या आपने अपने दांतों को साफ नहीं किया, वो तो जरूरी भी देगा, दांत खराब भी होंगे और आउटलुक भी बुरा लगेगा। ये बहुत सारा साइड बाय साइड चलता है, लेकिन आप अपनी डाइट का, डाइट का, आई एग्री 90% द डाइट वर्क्स एंड द 10% आपका प्रोडक्ट, जो ऊपरी चीजें जिससे आप लाइफ से बच सकते हो। हमारे कंप्लीट हो गई चीजें। नहीं, मेरी एक आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता देती हूं डार्क सर्कल्स के लिए, बल्कि आई विल गिव यू नेक्स्ट टाइम, ये बड़ा अच्छा क्या है आई सर्कल के लिए, तो मैजिक है ये, रिजाज वालों को ऑनलाइन मिल जाएगा ये भी। ये क्या करते हैं? मुझे क्योंकि मैं रात भर जागती रही, रमजानों में मेरी टाइम खराब हो जाती है ऐसे सोने होने की उठने की, और हम शोज वगैरह भी कर रहे होते हैं, सारी सारी रात रिकॉर्डिंग होती है, तो मेरे ऐसे आई सर्कल्स, डार्क सर्कल्स आ गए थे, मैं तो रोने वाली हो गई थी कि ये हुआ क्या है। तो ये इस्तेमाल करके इसने महीने में मेरी आंखें ठीक की है, मैं रो रही थी कि ये क्या होगा। मुझे भाई आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ब्यूटी सीक्रेट्स एक्चुअली आपका बुलाने का शुक्रिया। और मतलब लाइक ये चीज़ें थी वो एक ज़माने में सब लोग छुपा रहे होते थे, हम तो नहीं बता रहे। तो आप लोगों का दिल कितना प्यारा है आप लोगों के चेहरों की तरह, कि आपने अपने सीक्रेट्स अपने फैंस के साथ शेयर किए। ये सब चीज़ें इन्हें सूट करती हैं। अब आपको ट्राई ऑन करना पड़ेगा क्या आपको रिबाब की प्रोडक्ट सूट करती है, क्या नताशा की, क्या फिज़ा की, क्या आलिया की। ये हमारा काम, ये लोग ब्यूटी एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन क्योंकि इनके ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं, जो चीज़ें इन्हें रेकमेंड की और इनको फ़ायदा हुआ, इन्होंने अपना फ़ायदा आपसे शेयर किया। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आया और मैंने बड़ा कुछ सीखा आप चारों से। थैंक यू, थैंक यू। आप निदा की रह गई हैं ब्यूटी सीक्रेट, मैं पहले बता निकलवाएंगे। मैं पिछले मतलब प्रोग्राम जब ये कॉन्सेप्ट किया था दूसरी सेलिब्रिटी के साथ, तो बता चुकी कितनी दफा बताऊँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।